मेंबर्स विल वेट अ कपल ऑफ मिनट्स ताकि कुछ लोग और अगर हमें ज्वाइन कर लें तो फिर हम बात को कंटिन्यू करते हैं। सर जी प्लीज। क्वेश्चन जी प्लीज पूछिए। सर लास्ट टाइम हमने अप्रैल 2012 का क्वेश्चन किया था, उसमें हमने ईयर 5 में टेक्स्ट जो के है वो हमने ऐड किया हुआ है, हमें क्यों मुझे समझ में नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं लेट मी ओपन द क्वेश्चन फर्स्ट देन मैं इसको क्लेरिफाई करता हूँ। जी एलिजे, यू आर टॉकिंग अबाउट अप्रैल 2012 क्वेश्चन। यस सर। ओके, वो मैंने उधर रखा है शॉपर में, स्प्रे कर दिया मैंने। नहीं अभी खोला नहीं है मैंने, मैंने कहा आप आएंगी तो खोलेंगे। ये जो डाइनिंग टेबल है उसके साथ रखा। जी लीजिए, दिस वाज द क्वेश्चन। यस सर। ओके फाइन, अब आपका क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट ईयर है इसमें हमने ये जो टैक्स है इसको ऐड किया है, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, ऐसे ही? यस सर। ओके, देखिए अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है, दैट इज एन आउटफ्लो, ठीक है। लेकिन अगर हमारा लॉस होगा तो इस पर हमें टैक्स सेव हो रहा है। ये हमने लास्ट टाइम इन डिटेल बात की थी कि ये हम चूंकि एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर इस प्रोजेक्ट के इनकम रेवेन्यू या एक्सपेंसेस वगैरह को जो बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अगर उसमें शामिल कर दिया जाए तो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि टेक्निकली लास्ट ईयर में लॉस आ रहा है तो ये बिजनेस के ओवरऑल लॉस प्रॉफिट को कम कर देगा। अगर बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उसकी वजह से हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज ए सेविंग फॉर अस। तो अगर वो सेविंग है तो जैसे ये आउटफ्लो के तौर पे काउंट हो रहा है कि इतना टैक्स इस प्रोजेक्ट की वजह से सरप्लस प्रॉफिट आने की वजह से हमें पे करना पड़ेगा, तो इस प्रॉफिट प्रोजेक्ट में फाइनल ईयर के अंदर जो लॉस हो रहा है उसके नतीजे में हमें इतनी टैक्स की बचत भी होगी, हमें टैक्स सेव होगा। तो ये जो टैक्स सेव हो रहा है ये इस जो लॉस है उसके अंदर क्लब हो रहा है और ऐड हो रहा है उसके अंदर, मीन इसमें से माइनस किया जा रहा है, टेक्निकली नेट लॉस हमारा ये रह रहा है। आई होप बात समझ आई है। यस सर। ओके थैंक यू सर। वेलकम। जी ओके फाइन, बात को स्टार्ट करते हैं बट बिफोर कंटिन्यूइंग अहेड जैसे अभी एक सवाल पूछा गया, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट वीक्स डिस्कशन तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके सबूर साहब प्लीज।
वालेकुम सर। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। से पूछा अच्छा सर, ये एक तो ये सवाल था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारे कोर्स में है। जी, है तो नहीं लेकिन मैं आपको बता दूंगा। ठीक अच्छा, एक ये सवाल था, दूसरा सर एक और सवाल भी है, एक और सवाल भी है सर। जी, प्लीज पूछिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है मई 2010 का सर। इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 18 मिलियन जी इन ईच ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब है हर साल में 18 ईयर इन्वेस्टमेंट होगी सर ये। जी, हर साल 3 मिलियन जो है वो आपका आउटफ्लो होगा। 18 मिलियन सर। 18 मिलियन नहीं है। अच्छा 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 लेट मी शेयर द क्वेश्चन फर्स्ट। जी जी सर। जी, ये वाला क्वेश्चन है, फाइव स्टार लिमिटेड जी अ जी फाइव फार्मा स्टार सर। सोटेड। ओके जी जी सर। जी जी ओके, सर मैं जी। आपके साथ पढ़ देता हूँ। फाइव स्टार लिमिटेड अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च अ न्यू सिरप व्हिच वुड बी सोल्ड ओवर द काउंटर विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन। टू डेवलप सिरप एंड टू मार्केट इट ऑन रीजनल बेसिस इट विल कॉस्ट 36 मिलियन ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स, ₹18 मिलियन ईच ईयर। फाइन, नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर आपके आउटफ्लोज होंगे और आपको 18 मिलियन हर साल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही है बिल्कुल। तो अच्छा, कोई, तो अच्छा जी, कंफ्यूजन है तो इस मैं इसको मजीद पढ़ पे देता हूँ। कंफ्यूजन सर है कि मतलब है कि इनफ्लोस तो इसके बड़े कम हो रहे हैं। ये देखें सर, 3 मिलियन, इनफ्लोस 6 मिलियन, 12 मिलियन, 12 मिलियन, बहुत आउटफ्लोस ज्यादा ज्यादा, है। बहुत ज्यादा हो रहे हैं इनफ्लोस। अभी देख लेते हैं। देखिए, जी। एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोस एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट ईयर फ्रॉम ईयर थ्री, थ्री से ऑनवर्ड, क्योंकि पहले 2 साल तो इन्वेस्टमेंट लग रही है, और ईयर थ्री से ऑनवर्ड जो है वो 3 मिलियन, 6 मिलियन, 12 मिलियन, 12 मिलियन, 9 मिलियन एंड 3 मिलियन आपको रिसीव होगा। जी सर। अच्छा, ये जो इससे आगे वाली बात है ना, ये डिसीजन ट्री से रेलेवेंट है। वो डिसीजन ट्री फॉर द टाइम बिंग आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये अच्छा प्रीवियसली अच्छा से अच्छा टाइम एंड अगेन आगे पीछे होता रहा, तो ठीक हो गया सर। इसलिए वो डिफरेंट जो एग्जाम के पेपर्स थे वो मैंने सारे एक जगह पे कॉपी किए हुए थे ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये टेक्निकली डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट है, वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है। मैं सिर्फ एक लिंक क्रिएट करने के लिए बात मोटी सी बता देता हूँ, बाकी तो जी जी आगे अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन को इग्नोर भी कर दें, लेट्स सपोज, और हम सिर्फ इस पॉइंट वन तक रहें, तो हम इसके एनपीवी कैलकुलेट करना चाहिए। आप कह रहे हैं कैश फ्लोज जो हैं वो जो इनफ्लोज हैं शायद कम है, 3 मिलियन, 6, 12, 12, 9 एंड 3 मिलियन, तो ये 45 मिलियन का आपका इनफ्लो हो रहा है। ठीक है जी, जी सर। और जो आपका आउटफ्लो भी हो रहा है, अगर आप उसको भी अंडरस्टैंड करें, तो अगर हम टाइम वाइज लिखें तो ये नहीं लिखा हुआ कि पैसा अभी लगाना पड़ेगा, वो लिखा हुआ ईयर वन में लगाना पड़ेगा, टू में। जैसे हम आमतौर पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो टाइम जीरो की बात करते हैं, जी जी यहाँ पे बिल्कुल टाइम जीरो की बात नहीं आ रही। नहीं ईयर आ वन रही। में कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 18 मिलियन, और देन अगेन 18 मिलियन लगाना पड़ेगा ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। अच्छा ठीक हो ओवर द गया, नेक्स्ट 2 ईयर। सो टू जो इयर्स टाइम एट। जीरो है जी उसके जी हवाले से कोई बात नहीं लिखी हुई, आज नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आप जो बाकी क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो एवरीवेयर इट वाज रिटन कि आपको आज लगाने पड़ेंगे। सो अगर आप प्रेजेंट वैल्यूज निकालना चाहते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपको चाहिए 14% के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे मेंशन है। ठीक तो हो जो गया सर। पहला फैक्टर होता है टाइम जीरो का, वो तो वन होता है, आज पैसे लग रहे हैं, लेकिन जो आपका 18 मिलियन 1 साल के बाद लग रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कंपैरेटिवली कम है, जी बिल्कुल सर। 1/1.14। और जो इससे नेक्स्ट वाला है, ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स बनते हैं, ये हमारे कैश फ्लोज हैं अगर प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लें। ये सर 9th ईयर को इग्नोर कर दीजिएगा काइंडली, अगर वो अच्छा, सॉरी,
हाँ वो टोटल कर लिया था आपने सर। ओके ये हमारी अगर टेक्निकली देखें इन दोनों का सम करें तो ये 29 मिलियन बन रहा है, 29.64 मिलियन ये हमारा इनफैक्ट आउटफ्लो है, और बाकी जो इनफ्लोज हैं अगर हम इसको सम करें तो नेगेटिव आ रहा है, एनपीवी नेगेटिव है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इससे आगे वाली बातें ये जो कि डिसीजन 3 से रेलेवेंट है, मैं वो बात आपके सामने बैलेंस कर देता हूँ समझाने के लिए। वैसे आपको समझना सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ज़रूरी है, सिलेबस के व्यू पॉइंट्स नहीं है। अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहीं पे कंसोलिडेशन पढ़ा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप अकाउंट्स, इफ एनीवन नोज अबाउट दैट, सलमान साहब ने जवाब दिया है यस। सलमान साहब आप मेरे मजीद सवालों का जवाब भी फिर देते जाइएगा। एक होती है जी होल्डिंग कंपनी और एक कॉन्सेप्ट होता है सब्सिडियरी कंपनी का। अभी मैं एसोसिएटेड कंपनी की बात नहीं करता लेकिन चले मेंशन कर देता हूँ। एनीवन के होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी तो पेरेंट कंपनी हो जाएगी ना सर, जी फाइन जी, सब्सिडियरी उसकी जो जितनी पेरेंट भी कंपनी है ओके, सब्सिडियरी कौन होगी? लाइक मैं अगर आप कहूँगे ए कंपनी है, बी कंपनी है और सी कंपनी है, फाइन। ए कंपनी अगर होल्ड करती है बी और सी में ओनरशिप, लेट्स सपोज बी में 40% 42% होल्ड करती है और सी के अंदर 54% होल्ड करती है, तो बता सकते हैं इसमें से कौन होल्डिंग कंपनी है, कौन सी सब्सिडरी कंपनी है? ए कंपनी होल्ड, ठीक है जी, चलें ए कंपनी अगर होल्ड करती है तो ए तो होल्डिंग हो गई, क्या ये बी सब्सिडरी कंपनी है या सी सब्सिडरी कंपनी है या दोनों ही सब्सिडरी हैं? नहीं बी तो सर सब्सिडरी है, 50% से लेस आ रहे हैं ना उसके, ठीक है तो बी सब्सिडरी है या नहीं है ये बता दीजिएगा सर। है सर बी भी सब्सिडरी है जी, बी सब्सिडरी होगी, 42% शेयर्स है ना इसके सर जी। जी सलमान साहब आप अगर रिस्पॉन्ड कर दें वॉइस नोट पे, वॉइस पे रिस्पॉन्ड करें तो शायद समझ आ जाए कौन को। जी सर बी सर एसोसिएटेड कंपनी होगी सर, 20% टू 50% वो कंडीशन है। अगर आपके इलम में है कि अगर कोई कंपनी शेयर होल्ड करती है लेस देन 50%, वो जो लेस देन 50% इसमें होल्ड किए जा रहे हैं वो कंपनी आपकी सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएटेड कंपनी कहलाती है। तो ये एसोसिएटेड कंपनी और ये टेक्निकली आपकी सब्सिडरी है जी, ऐसा ही है जी। हमने ओनरशिप परसेंटेज लिखी थी 42% और ये जो होल्ड कर रही है ये 54% है। ओके अच्छा जी, कॉन्सेप्ट असल में ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं दिस इज इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट होल्डिंग, कि डायरेक्ट होल्डिंग है, ऐसा भी पॉसिबल है कि जो ए कंपनी है वो बी कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करती है, जी ए कंपनी जो है वो बी कंपनी में शेयर होल्ड करती है और ए का बी में जो होल्ड है वो लेट्स सपोज 75% है और जो बी है वो सी कंपनी के अंदर शेयर्स होल्ड करती है और जो सी कंपनी में बी होल्ड कर रही है वो 50% है। तो सवाल ये है कि क्या बी ए कंपनी की सब्सिडरी है या नहीं है? एनीवन
बी ए की सब्सिडरी सर, आप जी सवाल ए कंपनी तो होल्डिंग कंपनी है ना बी की, जी जी कितने परसेंट बिल्कुल शेयर होल्ड कर रही है ए कंपनी? 75% बी में, तो जी क्या जी बी कंपनी जो है वो ए की सब्सिडरी है? सर आपने बताया ना 50 पर। मैं आपको बता देता हूँ जनाब दोबारा, जी सर 20 से लेके अगर 50% तक कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड करती है तो जिसमें होल्ड किए रहते हैं वो एसोसिएट कंपनी कहलाती है, और अच्छा अगर ठीक 50% से अबव, जिसको टेक्निकली हम 51 कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको ग्रेटर देन 50 कह दें तो वो ज़्यादा बेहतर बात होती है, ग्रेटर देन 50% अगर होल्डिंग होगी तो वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है जी। तो ये सर बी सब्सिडरी हो जाएगी ए की सर। ये सॉरी सबूर सर, सो मैं ये कह रहा था जनाब ए कंपनी जो है वो होल्डिंग है ही है। क्यों होल्डिंग है? बिकॉज वो 50% से ज्यादा शेयर बी में होल्ड कर रही है, एम आई राइट जी? जी सर बिल्कुल सर ऐसे ही। अच्छा, और बी कंपनी जो है, चले मैं इसको चेंज कर देता हूँ आपके आसानी के लिए, बी कंपनी सी में शेयर होल्ड कर रही है 60%। तो सी भी बताएं सब्सिडरी इन है सर। दोनों में से कौन सी होल्डिंग कंपनी है बी और सी के अंदर से? सर ए तो होल्डिंग कंपनी है ना बी की सर। ए को छोड़ देना, अब ए जी और जी बी का रिलेशन तो खत्म हो गया ना, ए जी बिल्कुल होल्डिंग सर और बी सब्सिडरी है। ये तो समझ आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ आ गई सर। मेरा सवाल यह है कि अब एक नया रिलेशनशिप बन गया, बी कंपनी जो है वो आगे सी कंपनी में 60% शेयर रखती है, तो क्या सी कंपनी सब्सिडरी है बी की या नहीं? सर मेरे ख्याल से तो है सर। जी बिल्कुल है, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं है, क्योंकि सी बी कंपनी जो है अब क्या बन गई है यहां पे? यहाँ पे होल्डिंग बन गई सर सी की सर। बी कंपनी क्या बन गया जनाब? होल्डिंग बन गई सर सी की सर। जी ऐसे ही है जी, बी कंपनी होल्डिंग बन गई है और सी क्या बन गई है? बी सब्सिडरी कंपनी बन गई होल्डिंग सर। बन गई है और सी क्या बन गई है? सब्सिडरी बन सी गई सर। सब्सिडरी बन गई है, लेकिन ये जो सब्सिडरी बन गई रिलेशनशिप सर। बन रहा है, सी सब्सिडरी बन गई है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप बन रहा है, ये जरा अगर अपना जो लोग माइक खोल के बैठे हैं काइंडली, जो लोग माइक खोल के बैठे हैं काइंडली, जी सब सबूर साहब आप सुन रहे हैं या आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? जी जी समझ आ रही है सर। अच्छा चलें, मेरा आप सवाल जरा मुश्किल है वो बताइएगा, बताएं क्या ए कंपनी बी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है? ए कंपनी बी की होल्डिंग है या दूसरे लफ्जों में बी ए की सब्सिडरी है और सी बी की सब्सिडरी है, तो क्या सी ए की भी सब्सिडरी है? सर मेरे ख्याल से तो बी और सी दोनों सर सब्सिडरी हैं ए की सर। किसकी? ए ए की सर। की। अच्छा, अब जी इस सर चीज को साबित करना होगा ना, तो इसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट होल्डिंग। डायरेक्ट होल्डिंग जो है वो बी की सी में कितने परसेंट है 60% है सर। और ए की बी में कितने परसेंट है?
75% है सर। तो ए कंपनी का सी कंपनी में हिस्सा इस 60 का 75% है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो अगर 60 का आप 75% लें तो वो बनता है 45%। क्या बनता है जनाब? 45% बनता है तो सर। क्या सर बताएं, सी कंपनी ए की भी सब्सिडरी है या नहीं है? अब तो एसोसिएट हो जाएगी सर। जी, एसोसिएट होगी। समझ आ गई बात? इनडायरेक्ट जी, होल्डिंग कह रहे हैं। तो इनडायरेक्ट अगर मैं होल्डिंग। इसको चेंज कर दूं, मैं ये कहूंगी जो कंपनी है वो 80% की होल्डिंग रखती है। तो अगर 80% है तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 80 करें तो स्टिल 48% बनता है। समझ आ रही है बात जी? जी, बिल्कुल सर। चले, मैं अगर 90% कर दूं तो ये बनता है जनाब 60 × 90% तो वो 54% बनता है। तो इसका मतलब अब अब सब्सिडी। ए कंपनी होल्डिंग है बी की भी और सी की भी। दूसरे लफ्जों में, बी कंपनी ए की सब्सिडरी है, सी कंपनी बी की सब्सिडरी है और सी कंपनी ए की भी सब्सिडरी कहलाएगी। यहां तक समझ बिल्कुल आती है ना? जी, बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा, चले अब यहाँ पे आ जाएं। वो मैंने लास्ट टाइम जब आपको प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट समझाए थे उसमें मैंने ये प्रोबेबिलिटी की बात की थी कि ईयर वन का ये कैश फ्लो होने की हमें एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है, ऐसा ही है जी? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अगर मुझे ये एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है कि 50,000 कैश फ्लो होगा या 55,000 होगा या 45,000 होगा, और मैं इसके सामने अगर वो प्रोबेबिलिटीज मेंशन कर रहा हूँ कि चांसेस लग रहे हैं या तो ये परसेंटेज होगी जनाब, ठीक है जी, या ये परसेंटेज होगी, वट एवर अभी वो लिख लेते हैं, या ये हमें वो मिलेगा। अगर फर्ज कर लें, हमने कहा जनाब ये 50% चांस है, ऐसे ही जी जी बिल्कुल सर। जो अभी हमने सामने लिखा नजर आ रहा है, अगर ये 50% चांस है, अगर ये ईयर वन में ये कैश फ्लो हुआ ईयर वन में, तो देन ईयर टू में क्या कैश फ्लो होगा वो फर्दर डिपेंडेंट है इस चीज पे कि ईयर वन में क्या कैश फ्लो होगा। जी बिल्कुल सर, ठीक अगर है। ऐसी सूरत हाल हो जाए, यानी ये एक और निकला, अगर ये 50% आया तो फिर अगले साल के अंदर 52,000 मिलने की कोई और प्रोबेबिलिटी है कि 52,000 तब मिलेगा जब पीछे क्या मिला हो हमें 50%। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? जी, समझ आ रही है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अब इसके आगे वाले इवेंट की मेंशन करूँ, अगर वो 30% है तो हम जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, यानी ये 52,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी हमें जो है वो 50% नहीं है, 52,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी 30 पे नहीं है। 52,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी सब्जेक्टिव है कि अगर 50 मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50,000 मिलने की 50% है और 52 मिलने की 30% है। तो अगर हमसे पूछा जाए बताएं ईयर टू में 52,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम ये नहीं कहेंगे 30% है, हम कहेंगे ये 50 × 30%, ये 15% प्रोबेबिलिटी है। समझ पा रहे हैं बात? जी, तो ये टेक्निकली कहलाता है जनाब डिसीजन ट्री, कि अगर ये मिला तो ये मिलेगा, अगर ये मिला तो फिर फर्दर चांसेस हैं, यानी इसके अंदर मजीद अब 100% पूरा होगा जो मुख्तलिफ चांसेस बनेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, और ये जब आप अगली स्टेज पे जाएंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट कवर किए जाते हैं। मल्टीपल या कंडीशनल प्रॉबिबिलिटीज कहते हैं, डिसीजन ट्री कहलाता है ये इंशाल्लाह वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है जी? जी ठीक हो गया सर। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन अनआंसर्ड ना रहे, मोटा सा अंदाजा आपको दिया है, बिल्कुल बाकी सर, बिल्कुल। रेस्ट जो आपके लिए रेलेवेंट चीज़ है वो वही है जो अभी तक हमने डिस्कस की है। फाइन जी, जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये जो सर ये आपने अभी समझाया है क्वेश्चन नंबर 4, जी जी इसमें जो आपने जो 18 मिलियन 36 मिलियन समझाया है, जी अगर जी उस पे अगर आज जी, बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें हम जो बाकी 18 मिलियन है ईच ईयर, वो हमने अभी इग्नोर करना है? नहीं, किया तो कहाँ इग्नोर किया हमने, वो नहीं, लिखा थर्टी हुआ है ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स 18 मिलियन इन ईच अच्छा, ईयर। ठीक है। 36 मिलियन टोटल लगना है इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, लेकिन 36 का 36 सारा आज नहीं लग जाना, इट विल बी स्पेंट अच्छा ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स,
और उसी की उसने आगे डिटेल बता दी, 18 नेक्स्ट 2 ईयर्स में कैसे लगेगा, 18 मिलियन इन ईच ईयर, तो 18 18 मिलियन 2 सालों में लगेगा। अच्छा मैं थोड़ा गलत समझ रहा था सर इसको। राइट जी, तो आई होप बात समझ आई होगी। जी अब समझ आ गई, थैंक यू सर। वेलकम, दैट्स ग्रेट। सो नबीला, यू वर आस्किंग समथिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, इसी क्वेश्चन में मेरा भी क्वेश्चन इधर। सो फॉर नाउ, अभी हम अगर खाली सिंपल जो फर्स्ट पॉइंट है उसके हिसाब से अगर हम एनपीवी फाइंड कर लें तो दैट वुड बी सफिशिएंट। दैट वुड बी सफिशिएंट, दैट वुड बी सफिशिएंट। राइट, ठीक हो गया सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, दैट्स ग्रेट। लास्ट टाइम हमने एक जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उस हवाले से अगर किसी को कंफ्यूजन है एंड यू वांट टू आस्क समथिंग तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू रिमेम्बर, तो हमने ये जिक्र किया था, ये सारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू की बुनियाद पे हम डिसीजन कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट के जैसे ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास जो नेगेटिव है तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेट सपोज अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होती तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता। सो इफ यू आर गिवन विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव टू डिसाइड, और अगर हमें डिसाइड करना होगा एंड वील बी हैविंग सफिशिएंट फंड्स, तो हमारे लिए हर वो प्रोजेक्ट जिसकी एनपीवी जीरो या जीरो से ज़्यादा है दैट इज़ मोर देन एक्सेप्टेबल, बिकॉज आप वो अर्न कर सकते हैं पॉजिटिव प्रॉफिट या नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। जैसे एक सवाल था जो हमने ऑलरेडी किया भी था कि ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं और इन तीनों चारों प्रोजेक्ट्स के अगर एनपीवी देखते हैं तो 28.44, 56.54, 43.48 एंड 70.02। सो इफ देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल फॉर द फंड्स, अगर फंड्स की कोई लिमिटेशन नहीं हो तो फंड्स की लिमिटेशन ना होने की बुनियाद पे आप इन सारे प्रोजेक्ट को ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास जो जो पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट हैं they are acceptable for you because they will be giving you the profit. But agar aapke paas inme se koi negative net present value wale projects hain aur kuch positive wale hain to definitely jab aap filtration karenge filter karenge to aap jo negative wale hain unko side pe rakh denge. Acha fir positive ke andar bhi aapki organization ka apna criteria ho sakta hai ki aap organization mein ye lay down kar le कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को तब ऑप्ट करेंगे जब वो 40 मिलियन से ज़्यादा आपको पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू देगा। सो अगर वो 40 मिलियन से ज़्यादा नहीं दे रहा या 40 मिलियन से नीचे दे रहा तो वो प्रोजेक्ट्स पे फिल्टर आउट हो जाएंगे। लेट्स सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यही क्राइटेरिया हो तो ये 28 जो नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है ये प्रोजेक्ट तो फिल्टर हो गया, अब हमारे लिए जो चॉइस वाली ऑप्शन है वो इन तीन के अंदर रह जाएगी। अगर फर्ज कर लें 50 मिलियन मिनिमम एनपीवी चाहते हैं हम, तो ये प्रोजेक्ट 1B और प्रोजेक्ट C B ये दोनों निकल जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 2 प्रोजेक्ट बचेंगे जिनका हम कंपैरिजन करें। सो इंटरनली मैनेजमेंट कैन ले एनी क्राइटेरिया, जो बेसिक क्राइटेरिया वो इंटैक्ट है। बेसिक क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट हम इवेल्यूएट करते हैं देयर इज अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। अब उससे अगले हमारी सारी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं कि हम कितने तक जो पॉजिटिव एनपीवी है उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हमने ये अर्लियर अंडरस्टैंड किया कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बुनियाद पर भी अगर डिसीजन करते हैं तो वी हैव टू कंपेयर दैट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न विद दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम रिक्वायर कर रहे हैं कि कितना हमें कम से कम उस प्रोजेक्ट से मिलना चाहिए अकाउंटिंग प्रॉफिट, उससे कंपेयर किया जा सकता है। जब IRR के हवाले से भी डिसाइड किया तो वट एवर इज द IRR दैट नीड टू बी कंपेयर्ड विद योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर IRR और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपैरिजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है तो विल बी गोइंग टू इग्नोर दैट प्रोजेक्ट, हम उसको फिल्टर कर देंगे। सो ये इसके पीछे सारा फिलॉसफी यही है। और हमने उन स्लाइड्स पे और जो डिसीजन क्राइटेरियंस पढ़े तो उसमें ये बात थी कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो जो हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट प्रोजेक्ट इज मोस्ट सूटेबल फॉर अस। सो हमने लास्ट टाइम इसको रिलेट किया था कि अगर प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है तो फिर तो बड़ा आसान काम है कि हम जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी हायर एनपीवी हम कहेंगे ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट 40,000 रुपये लगा के 10,000 का एनपीवी दे रहा है और एक प्रोजेक्ट जो है वो 30,000 रुपये लगा के 9,000 का एनपीवी दे रहा है तो शायद अपेरेंटली आपको वो 9,000 वाला अट्रैक्टिव नहीं लग रहा बिकॉज वो लोअर एनपीवी जनरेट कर रहा है। बट समझने वाली बात ये है कि वो उतनी इन्वेस्टमेंट लगा के नहीं बल्कि उससे कम इन्वेस्टमेंट के बदले में 9,000 के एनपीवी जनरेट करके दे रहा है।
अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू की बेस पर डिसाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इरेशनल हो जाएगा. सो इन दीज सर्कमस्टांसिस यू नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो टेक्निकली रिलेटिव मेजर है. इफ़ अगर तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर हुई तो जिसका एनपीवी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी ज़्यादा होगा. लेकिन अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली उस सूरत हाल में सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं. जैसे अभी ये आपके सामने सिनेरियो है, मैं ये लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था कि 18,112 हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है फ्रॉम द प्रोजेक्ट ए, और प्रोजेक्ट बी से 20,574 है. सो अगर हम सिर्फ एनपीवी को कंसिडर करें तो हमारे लिए प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेबल है, फाइन या प्रेफरेबल है. लेकिन अगर हम इस चीज़ को इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर रहे हैं तो बात तो सही है, लेकिन अगर फ़र्ज कर लें कि दोनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है, 90,000 है, सो अगर आप 90,000 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली जिसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है अमाउंट में उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी ज़्यादा बनेगा. लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है तो ऑब्वियसली उस सर्कमस्टांसिस में ये सिनेरियो चेंज हो सकता है. जैसे हमने यहाँ पे इवेल्यूएट किया था 1.45 और ये 1.23 है, तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेटर होगा दैट विल बी रेटेड एट द टॉप, उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे, पहले नंबर पे रैंक करेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे. सो अगर मेरे लिए आप इन दोनों को 90,000 से डिवाइड करके देखें तो आप देखेंगे अगर 90,000 सेम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करें तो जिसका ग्रॉस एनपीवी ज़्यादा है उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी ज़्यादा होगा. जैसे ये 1.23 तो निकल आया, जो 58,112 कैश फ्लो है इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, इसको भी अगर 90,000 से डिवाइड कर दें तो ये 0.64 बन जाता है. सो अगर इन्वेस्टमेंट सेम होगी तो जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकला हुआ है वो ही डिसीजन क्राइटेरिया होगा. चाहे आप उससे आगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल लें तो जो डिसीजन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बट इफ देयर इज इन्वेस्टमेंट विच जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इफ देयर इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट, तो देन आपका जो डिसीजन क्राइटेरिया होना चाहिए वो टेक्निकली आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होना चाहिए. सो अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो पूछ ले, बिकॉज लास्ट टाइम सम ऑफ यू नॉट यू नो प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि ये चीज़ आपको समझ आई है नहीं. अगर अभी इसमें कोई इशू है तो ये मैं यू मे आस्क एनीथिंग. जी महानूर आप पूछें. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम सर. आपने ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एक और पिछले क्लास में भी एक टॉपिक पढ़ाया था, आई थिंक इसकी कैपिटल बजटिंग में नहीं है ये टॉपिक्स, आपने शायद इस वाली स्लाइड्स अभी शेयर नहीं की है. ये स्लाइड्स तो मैंने शेयर की हुई ऑलरेडी, इन्हीं स्लाइड्स के अंदर है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, नो इशू. चलो ठीक है सर, वो मैं देख रही थी ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाले टॉपिक नहीं मिला. अच्छा जी, मैं स्लाइड्स आपको सेंड कर देता हूँ दोबारा से, ग्रुप के अंदर स्लाइड्स में वैसे ही मेंशन है. ठीक है जी. ठीक ठीक है सर. कॉन्सेप्चुअली तो कोई इशू नहीं है? नहीं सर, समझ आ रही है. चलें ठीक है. अब्दुल सबूर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये जो क्वेश्चन अभी आपने एबीसी लिमिटेड वाला इसी को दोबारा डिस्कस करना चाहूं तो. जी ठीक है, लेट मी शेयर दैट. ठीक है जी. अच्छा इसमें सर मैं जरा डिस्कस कर लेता हूँ पहले. जी जी प्लीज. इसमें सर 1050 की मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करनी है ना जी सर कंपनी ने. अब जो सबसे ज्यादा एनपीवी है वो डी का है 70.02, इसको तो हम सिलेक्ट कर लेंगे जी. फिर बी का है सर, तो ये 1000 की बन गई इसकी मतलब है कि. ठीक है ठीक है. अब 50 की हमारी इन्वेस्टमेंट रह गई है. अब हम प्रोजेक्ट सी जो है वो 350 का है जी. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि हम लोग यानी के दो प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे और बाकी पैसे अपेरेंटली हमारे जाया जाएंगे, आइडल पड़े रहेंगे. ठीक है. अभी मैंने वो जानबूझ के इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करके इस क्वेश्चन जो है ना स्क्रीन पे शेयर किया था.
अब जो मैंने डिस्कस किया और जो मैं जिस चीज़ की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आपने फोकस करना है। हमने कहा जी प्रायोरिटाइज करने की जब बारी आएगी, अगर तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है तो फिर तो एनपीवी ही क्राइटेरिया होगा। सही है सर। तो अब बताएं क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है? नहीं, इस पे तो सेम नहीं है सर। ओके, अगर सेम नहीं है तो टेक्निकली फिर हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। ओके, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका तरीका कार क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस और उसको हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट के साथ। जी आई होप समझ आ रही है बात। जी, समझ आ गई सर। अच्छा जी, अब आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ए बी सी और डी। चलें अगर हम पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज लिख लें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। अगर एनपीवी दी हुई है आपको तो एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 300 है, तो इसका मतलब जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बनेगी वो 328.44 होगी। हाँ या जी ना बिल्कुल बता जी दो। ठीक है ना बिल्कुल जी? ऐसे ही ठीक है, फिर आगे 456.54 5 4 एंड देन फिर 350+40 393.48 393.48 सर बन जाएगी जी और और 670.20 670.02। ठीक है जी, जी बिल्कुल और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 300, 400, 350 350 एंड 600। और 600। सो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना चाहें तो ये जो कैश फ्लोज हैं इनको डिवाइड करेंगे। चलिए जी अब ठीक अगर आपसे पूछा जाए रैंक किया जाए, रैंक रैंक बता दें जरा किसका सबसे पहला नंबर होना चाहिए? सर। बी का नहीं, इसमें आएगा सर सी का सर 1.14 सर, मैं जनाब जरा बड़ा कर देता हूं, अब आप जरा देखिएगा। 1.14 सर ये आ रहा है बी का सर। ठीक है जी, इसको जरा अगर आपकी आसानी के लिए ये कर दें तो शायद आपको अब ज्यादा बेहतर नजर आए। बताइएगा जी, जरा बताएं किसका होगा? 1.14 बी का सर, बी का। ओके मैं इसको कह रहा हूँ ये फर्स्ट नंबर पे आएगा जी। फिर अब ये सी और डी तकरीबन सेम है सर, वन ये पॉइंट वन फोर तकरीबन सेम है, ये आपके लिए सम हाउ ये कोई इतना खास फर्क नहीं रखते, तो अगर अब आप इस तरह देख लें तो शायद आपको बेहतर समझ आ जाए। जी डी सी आ रहा है सर। देखिए 1.124 है और ये 1.117 है, तो इसका मतलब ये इसका नंबर 2 हो जाएगा जी और इसका नंबर 3 हो जाएगा सर। फोर्थ 3 हो जाएगा और इसका नंबर जो है वो 4th हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई जी, बिल्कुल सर समझ आएगा। जी? ठीक है जी। सो लास्ट टाइम तक जब आप हमने ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं पढ़ा था तो आई टॉक्ड अबाउट दिस क्वेश्चन और मैंने पर्टिकुलरली आपको कहा कि जो प्रोजेक्ट है ये डी नंबर 1 पे हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, और प्रोजेक्ट जो उसके बाद वाला है वो 56 वाला ये बी, तो 600 और 400 जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे स्पेंड करने के बाद आपके पैसे ख़त्म हो गए, और आपके जी पैसे जी ख़त्म होने का मतलब 50,000 बचता है, लेकिन वो 50,000 किसी प्रोजेक्ट के लिए, अगर वो प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। सो अब अगर देखा जाए तो हमें किस में लगाना है सबसे पहले? बी में सर। बी में लगाएंगे, अगर बी में लगाएंगे तो आपके कितने पैसे लग गए? 400। सर 400 और उसके बाद किस में लगाएंगे? सी में। थ्री सी में फिफ्टी सर लगाएंगे तो कितने पैसे लग गए थ्री फिफ्टी सर 750 हो गए सर। जी? 750 हो गए। और उसके किस बाद में सर लगाया मतलब जाना चाहिए बी उसके बाद? का, डी में। बी तो का अब ए में आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं? फंड्स हैं हमारे पास सर 300। 300 अवेलेबल है जी। सो अगर जी जी 300 से हम डी प्रोजेक्ट नहीं ले पाएंगे तो क्या दो रास्ते हैं हमारे पास? या तो वो पैसे आइडल पड़े रहने थे, ठीक है जी, जी जी बिल्कुल सर। लेकिन अगर आपको वो पार्शियल कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता तो
तो उतने पैसों से अगर कोई प्रोजेक्ट पूरा मिलता है तो आपको वो ले लेना चाहिए, पैसे आइडल पड़े हुए आपके लिए नुकसान का बाइस बनेंगे, जी, बिल्कुल सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करना पड़ेगी। यस नो जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं इसका मतलब हमें ए प्रोजेक्ट में पैसा लगा लेने चाहिए। यस नो जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ए में लगाएंगे 300 तो आपके ये प्रोजेक्ट पैसे सारे पूरे हो गए। ये कब सिनेरियो बना? जब प्रोजेक्ट्स डिविजिबल नहीं है। ठीक है जी, जी बिल्कुल सर, डिविजिबल नहीं। चले अब अगर आ जाए इधर, अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हो तो शुगर उन्होंने एनपीवी मांगी है, चले हम यहाँ पे एनपीवी लिख लेते हैं। बी की एनपीवी कितनी है जनाब? बी की बी की सर 56.54 सर, 56.54 है जी, और सी सी की की सर 43.48 43.48 है, और ए की 28 28.44 है। तो यहाँ पर ये टोटल एनपीवी आपको ये मिलेगी 128 मिलियन। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हो तो बी और सी में लगाने के बाद आप ए में नहीं जाएंगे, आप किस में लगाएंगे? सर, डी में जाएंगे सर। डी में लगाएंगे आप, लेकिन डी में आप सारे पैसे नहीं लगाएंगे, आधे लगाएंगे तो एनपीवी भी आधी ही मिलेगी आपको। ऐसा ही है जी, जी बिल्कुल सर, तो डी की एनपीवी कितनी है? 70.02। तो 70.02 डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो ये आपका हिस्सा बनेगा। इस सूरत हाल में आपकी ये एनपीवी बनती है। सो अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल होंगे तो हम ये वाली ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। प्रोजेक्ट अगर डिविजिबल नहीं है और हम ए में भी ना इन्वेस्ट करें, वो पैसा आइडल पड़ा रहेंगे तो वो हमारे लिए अकल का तकाजा नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉफिट जो है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाएगी। सो डूइंग सो हम इस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आई होप अब बात क्लियर हो गई होगी। जी थैंक यू सर। चले, तो मैंने इंटरेस्टिंगली जानबूझ के इस क्वेश्चन को दोबारा स्क्रीन पे शेयर किया था कि आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक करे। अब चलिए हम आपके सामने मैं एक और सिनेरियो रख देता हूँ। वो सिनेरियो ये है जो कि एग्जाम टाइप जब सिचुएशन होती है ना, उसके अंदर हमको ज़्यादा सोचते नहीं है। नंबर जो आमतौर पर साथ लिखे होते हैं, उस नंबर या मार्किंग को देखते हुए, जो कि जब रिटर्न एग्जाम होता है तो उसमें आप जो रिटर्न एग्जाम आ रहा है उसमें टेंटेटिव टाइम भी बताया जाता है कि आप इसको इतना टाइम एलोकेट करें तो पेपर प्लानिंग आपकी बेहतर हो जाती है। बट एनीवेज, अगर चूंकि ये सारा सवाल बना हुआ हमारे पास अवेलेबल है ना, हमने सिर्फ ये कहा गया कि आप मैक्सिमम एनपीवी बता दें। लेट मी शेयर इट विद यू कि अगर आप 15% पे प्रोजेक्ट ए की एनपीवी निकालें तो ये नहीं निकलेगी। मेरा पॉइंट समझ पाए? अगर हम 15% पे खुद एनपीवी निकालें तो आप कैलकुलेट करके देख लें, यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस मच नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इन सर्टेन केसेस जो हमारा स्कोर होता है, हम उस स्कोर को अंडरस्टैंड करते हुए अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड कि हम उसको मजीद सॉल्व करने के चक्कर में पड़ के हम अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी में इजाफा करें। तो अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी में आप इजाफा नहीं करेंगे, रिक्वायरमेंट ओरिएंटेड होके चलेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी ज़्यादा बेहतर। जी मानूर, आप बोलिएगा। सर, ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आपने ऊपर ये इनकी निकाली थी जी प्रोजेक्ट्स जी की, सर ये जरा दोबारा बता दें। चलें बताएं एनपीवी कैसे निकलती है। एनपीवी बता दें कैसे निकलती है। मुझे ही बतानी है तो मैं बता रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, इसे माइनस करते हैं आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू का पता है, प्रोजेक्ट ए की 28.44 है, मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पता है 300 है, और मुझे इसका नहीं पता, तो क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो वो दोनों को ऐड करने से हासिल हो जाएगा 328.44। आई होप बात समझ आई। जी सर, वो दरअसल रिवाइज नहीं किया हुआ तो वो भूल गए। कोई बात लेकिन समझ आ गई। ऑब्जेक्टिव ये है कि समझ आ जाए तो पैसे पूरे हो गए हमारे।
जी सर। चलो दैट्स ग्रेट। ओके एनी अदर क्वेश्चन? सो चूंकि डिबेट ओपन हमने खुद की है इसलिए कोई सवाल हो तो पूछे आप। जी राजा सद्दाम साहब। जी राजा सद्दाम साहब आप बात कर सकते हैं। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इसमें क्वेश्चन में जो डिविजिबल नॉट डिविजिबल है ये किस सेंस में लिखा हुआ है? डिविजिबल से मुराद कि आप उस प्रोजेक्ट में पार्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या कर सकते हैं। इफ इट इज डिविजिबल इसका मतलब प्रोजेक्ट को पार्टनरशिप बेसिस पे डिवाइड करके भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर वो डिविजिबल नहीं है, मीन आपको पूरा प्रोजेक्ट ही ऑप्ट करना, यानी आपने कोई प्लांट लगाना है तो आपको पूरा प्लांट बाय करना है, इट कुड नॉट बी डन कि आप आधे इन्वेस्टमेंट आप कर दें तो आपको उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाएगा। तो अगर वो कुछ पार्शियल इन्वेस्टमेंट की रह सकती है तो दैट कैन बी कॉल्ड एज डिविजिबल। ठीक है ठीक। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज सर। इवन दो क्वेश्चन में उन्होंने हमें डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ कि हम थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करें, लेकिन बेस्ड ऑन द यू नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो डिफर कर रही है तो वो ऑब्वियसली सी बात है फिर हम उसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से ही फाइंड करेंगे, राइट? एग्जैक्टली। ठीक। सो इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट देने का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि कब तक हम स्ट्रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू को ऑप्ट कर सकते हैं और कब हम उसके वेरिएट जो वेरिएशन के साथ वर्जन हैं उनको ऑप्ट करेंगे। सो अभी तक हमने सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू के हवाले से बात की कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ही हमारी आइडियल बेस होगी, हम उसी की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे। सो अब हमने आगे एक चेक लगा दिया, ये बिल्कुल बेस्ट होगा, अगर हमें कोई पैसे की लिमिटेशन नहीं है तो भी बेस्ट ही बेस्ट है, हम उसको जो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव दे रहे हैं ले लेंगे। हमारे लिए मसला ही तब आया जब पैसे लिमिटेड है और हमने पिक एंड चूज करना है, और चूज करना है तो सलमान साहब ने अभी मेंशन किया है कि इट इज़ लाइक लिमिटिंग फैक्टर, के पर लिमिटिंग फैक्टर हम देखते हैं तो पर रुपी देख रहे हैं हम, ये पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है या पर डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी 300 लगा के 328 मिलेगा तो 1.09 टाइम है, तो इसीलिए जिसका ये इंडेक्स बेहतर हो गया हम उसको प्रेफर करेंगे। राइट सर, ठीक हो गया। जी समवन एल्स हैज आल्सो। जी मानूर आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि पास इधर ऑप्शन है डिविजिबल का और नॉन डिविजिबल का, तो अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन हो और एनपीवी के बेस पे हम लोग इधर देख रहे हैं कि 135 ज्यादा है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर दूसरे वाले का जो है वो एनपीवी ज्यादा आता है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे क्या? सॉरी मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया, लाइक अगर ये डिविजिबल नहीं, अच्छा अगर इन दोनों में से चूज करने को कहा जाए, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, इन दोनों में से बताएं कौन सा बेस्ट है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे एनपीवी ज्यादा होगा हम उस को ऑप्ट करेंगे, राइट? तो सर अगर ऊपर वाले का एनपीवी ज्यादा आ जाता है जी हम उसको ऑप्ट कर लेंगे। देखिए ऑप्ट हमने उसको करना है अगर, देखिए अब आप कह रहे हो कि इन दोनों च्वाइसिस का कंपेरिजन किया जाए, ये डिविजिबल है लेकिन डिविजिबल होना इन्वेस्टमेंट का या ना होना हमारे इख्तियार में नहीं है, लाइक जिसका प्रोजेक्ट है जिसने प्लांट हमें देना है जिसको हमने यूटिलाइज करके ये सारे कैश फ्लो जनरेट करने हैं, अगर वो 50% इन्वेस्टमेंट के साथ हमें प्लांट ही नहीं देगा तो वी आर अनएबल टू यू नो गेट दैट बेनिफिट। तो जैसे गवर्नमेंट के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ जो बिडर्स होते हैं वो मिल के बिड कर देते हैं कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो कंसोर्शियम बना के एक बिड कर देते हैं और उस टेंडर को अवेल कर लेते हैं, जब वो अवेल करते हैं तो उसके बाद जो उनका प्रोपोर्शन एग्री हुआ होगा आपस में उसमें उसी हिसाब से जो कैश फ्लोज हैं या प्रॉफिट्स हैं उनको डिवाइड कर लेंगे। तो हम तो यहाँ पे इस पोजीशन में नहीं है कि डिसाइड करें, हमें ये कहा गया कि अगर डिविजिबल है तो व्हाट इज़ द एनपीवी और अगर डिविजिबल नहीं है तो व्हाट इज़ द एनपीवी। सो अगर इससे अगला पूछा जाए कि आप इन दोनों में से कौन सी वाली ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, तो ऑब्वियसली जहाँ पे एनपीवी ज्यादा मिल रहा होगा ओवरऑल हम उसी को प्रेफर करेंगे। ओके सर थैंक यू। जी आसिफ अली साहब आपका माइक ओपन है लेकिन शायद आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आई होप कोई बात आप करना चाह रहे हैं। जी राजा साहब आप बोलिएगा।
अब आसिफ साहब बोल रहे हैं, सर ये ऊपर आसिफ साहब पहले आप बोलिए फिर राजा साहब आप बोलिएगा। अच्छा जनाब वो अब मैंने आसिफ साहब को कहा तो वो खामोश हो गए हैं। जी राजा साहब आप बोलें। ये इसमें प्रोजेक्ट जो ऊपर वाला सेलेक्ट किया है BCA ये लिखा हुआ है जी, इसमें वैल्यूज जो है वो हमने ये जीरो वाली ली है प्रोजेक्ट बी और ए की, और सी की फर्स्ट ईयर वाली वैल्यू ली हमने। ये सी का आउटफ्लो लेना है ना हमने, ये आउटफ्लो हो रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ये प्रोजेक्ट ए के अंदर आज लग रही है, प्रोजेक्ट बी पे आज लग रही है, लेकिन प्रोजेक्ट सी में लग ही पहले साल में रही है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक वो ब्रैकेट में वैल्यू ठीक है जी एग्जैक्टली, वो मतलब अभी अवेलेबल नहीं था प्रोजेक्ट, जब अवेलेबल होगा तभी इन्वेस्टमेंट होगी। अब ये तो नहीं है कि बगैर पैसे लगाए हमें कुछ मिलना शुरू हो जाए, तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी तो आगे पैसे मिलना शुरू होंगे, तो उसके बाद अगले पैसे मिलेंगे जी। राइट चलिए दैट्स आप मेरा ख्याल है कि यहाँ तक तो बात समझ आ गई जी। चलिए अब एक और पर्सपेक्टिव अभी आपके सामने हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है अभी तो हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है, ठीक है जी, अगर लाइव्स सेम ना हो, अनइक्वल लाइव्स, यानी प्रोजेक्ट एक जो है वो 3 साल का है और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो 10 साल का है, लाइफ की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट लाइफ जो है, समझ पा रहे हैं जी, प्रोजेक्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट ए जो है और बी प्रोजेक्ट जो है, अगर तो लाइफ सेम है कोई इशू नहीं है, लाइक अगर हम यहाँ पे बात कर लें एक प्रोजेक्ट 50,000 एनपीवी दे रहा है, ये मैं एनपीवी बता रहा हूँ, और एक प्रोजेक्ट 75,000 एनपीवी दे रहा है, तो अगर एनपीवी की बेस पे ही डिसाइड करना है तो विच प्रोजेक्ट इज बेटर जी, एनीवन? प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी बेटर होगा, पर समझने वाली बात ये है कि 75,000 रुपये हमें ओवर 10 ईयर पीरियड मिलना है, इतना प्रॉफिट जनरेट होने के लिए आपको 10 साल इंतज़ार फरमाना पड़ेगा, जबकि दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो तो 3 साल के अंदर हो जाएगा, तो टेक्निकली अगर इतना आप जनरेट कर लेंगे, पैसे आपके फ्री हो गए, तो आप इस तरह का एक और प्रोजेक्ट ऑप कर लें अगले 3 साल के बाद, यानी 6 सालों के अंदर आप 1 लाख एनपीवी जनरेट करने की पोजिशन में होंगे। सो अगर तो लाइफ सेम है, जैसे अभी हमने बात की कि अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है तो एनपीवी की बुनियाद पे डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की तरफ चलेंगे। इसी तरह अगर लाइफ सेम नहीं है, लाइफ्स डिफरेंट हैं, तो फिर हम अगेन यहाँ पे एनपीवी की बुनियाद पे डिसाइड नहीं करेंगे, वी नीड टू कैलकुलेट एनुअलाइज्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं अभी आपके सामने शेयर करूँगा, बट बिफोर दैट मैं एक रीडिंग के लिए आपके सामने चीज़ रख रहा हूँ, ये किताब शायद मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की हुई है, अदरवाइज आई विल शेयर अगेन। जी आई होप नजर आ रहा है जी, ये जी सर जी। अच्छा जी जस्ट अ मिनट, आपने ये जी मैं जी ये काइंडली आप जरा यहाँ से जो एनालाइज्ड इक्विवेलेंट वैल्यू लिखा हुआ है इसको जरा रीड करिएगा यहाँ से, यानी इक्वल लाइव्स टॉप पे मेंशन्ड है राइट, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इसको ये ज़रा सारा जो एनालिसिस लिखा हुआ है इसको आप पढ़िएगा 2 मिनट के लिए, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, आई विल ज्वाइन यू अगेन, मेरा माइक 2 मिनट 3 मिनट के लिए म्यूट रहेगा, आप इन द मेन वेल इसको रीड कर लें।
जी सॉरी, ओके जी, सो मैं बात कर रहा था जी कि लाइफ्स अनइक्वल हैं, बराबर नहीं हैं, तो लाइफ बराबर ना होने की सूरत में हमें अगेन जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जिस तरह से हमने कैलकुलेट की है उस नेट प्रेजेंट वैल्यू की बजाय हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू को एनवलाइज्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तरीक़ाकार जो है वो जो स्टेप्स बताए हुए हैं मैं नीचे आपसे शो कर देता हूँ। जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है एक क्वेश्चन के हवाले से कि डिस्काउंट फैक्टर है और मैं यहाँ पर सिर्फ एनपीवी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों प्रोजेक्ट की 30-30। अब इन्वेस्टमेंट सेम है लेकिन जो प्रोजेक्ट वन है उसके कैश फ्लोज दो सालों में मिल रहे हैं जबकि प्रोजेक्ट जो बी वाई है उसके प्रोजेक्ट कैश फ्लो सिर्फ एक साल में मिल रहे हैं। तो टेक्निकली लाइफ ऑफ द सेकेंड प्रोजेक्ट इज जस्ट वन ईयर वेयर एज लाइफ ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑफ टू ईयर्स। सो अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू देखें तो 7180 मिल रही है और 5700 मिल रही है प्रोजेक्ट वाई के अंदर। सो अपेरेंटली अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को ही बेस बनाते हुए डिसाइड करें तो विल बी टॉकिंग अबाउट के नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है वाई प्रोजेक्ट की तो विल प्रेफर वाई प्रोजेक्ट बट वाई प्रोजेक्ट को सॉरी एक्स प्रोजेक्ट। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक्स प्रोजेक्ट 7180 रुपये हमें ओवर टू ईयर पीरियड अगर प्रोजेक्ट चलाएंगे तो मिलेंगे जबकि ये 5700 ओवर वन ईयर पीरियड मिल सकते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू वी नीड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड वैल्यू। तो जो इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड वैल्यू उसका तरीकाकार ये होता है जो एनपीवी निकाली है दोनों प्रोजेक्ट्स की उसको हम डिवाइड कर देंगे एनुइटी फैक्टर ऑफ दैट प्रोजेक्ट्स लाइफ। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया हुआ है उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जैसे यहाँ पे 5% बताया हुआ है तो उसका एनुइटी फैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे या टेबल से देखेंगे 5% पे। तो लाइक अगर हम 5% पे एनुइटी फैक्टर टू ईयर्स का देख कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास तरीका मौजूद है। आप मेरे साथ करते रहिएगा और बताते रहिएगा। 1+i यानी 1.05 रेज टू पावर माइनस टू जी बताइएगा 1.05 रेज टू पावर माइनस टू क्या आएगा रिजल्ट। और इसको डिवाइड करेंगे आई से मीन 0.05 अगर हम इसी तरह से कैलकुलेट करना चाहें वन ईयर के लिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट वाई की जो लाइफ है वन ईयर है तो 1.05 रेज टू पावर माइनस वन जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू उसको वन में से माइनस कर लें वन में से ये वैल्यू माइनस करें 0.047 और इसको डिवाइड कर देंगे आई से यानी 0.05 से 0.952 ओके। अब ये एनुइटी फैक्टर है टू इयर्स का और ये एनुइटी फैक्टर है वन ईयर का। व्हाट वी डिड इक्विवेलेंट एनुअलाइज वैल्यू निकालने के लिए आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट उसको उस प्रोजेक्ट के एनुइटी फैक्टर से डिवाइड कर दें। अब 7180 को 1.859 से डिवाइड करें 3,865 इसी तरह से अगर 5700 को डिवाइड करें 0.952 से 5,987 सो अब अपेरेंटली हमें लग रहा था कि जो एक्स प्रोजेक्ट है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है जो कि हायर एनपीवी है। इन्वेस्टमेंट भी सेम है अगर इन्वेस्टमेंट सेम हो और लाइफ भी सेम हो तो दोनों सेम अगर हो जाए तो दैट्स नथिंग एन इशू फॉर अस कि हम वो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसी की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे। सो अगर लाइफ सेम नहीं है तो भी हमने एक तरीका का डेवलप किया
किया उसी नेट प्रेजेंट वैल्यू की बुनियाद पे है, और इसी तरह अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है तो हमने वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखा। सो अगर लाइफ सेम नहीं है तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जनरेट हुई उसको इक्विवेलेंट एनुअल वैल्यू में कन्वर्ट किया, यानी ऑन एवरेज इक्विवेलेंट एनुअल जो बेनिफिट है ये एक्स प्रोजेक्ट से 3862 का है जबकि वाई प्रोजेक्ट से 596887 का है। सो वाई प्रोजेक्ट विल बी मोर प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू एक्स प्रोजेक्ट। आई होप बात समझ आई। यस सर। ओके, ये स्टेप्स लिख के हमें एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट या मैंने उसको इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड वैल्यू का, दिस इज वेयर द एनपीवी इज कैलकुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू एनुअल इक्वल कॉस्ट टू अलाउ comparisons of cost or year on year, calculate net present value based on the cost of capital and life of the assets, find the cumulative discount factor, जो cumulative discount factor होता है वो present value factor of annuity होता है, from the cumulative discount tables, सब table से भी देख सकते हैं खुद भी, divide the NPV by cumulative discount factor and find the annual equivalent cost या annualized equivalent value, और उसकी बुनियाद पर डिसाइड करेंगे। मेक योर सिलेक्शन बेस्ड अपॉन द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनुअल कॉस्ट, अगर कॉस्ट का कंपैरिजन होगा तो वो लीस्ट कॉस्ट जिसकी एनुअल निकलेगी, और अगर बेनिफिट का कंपैरिजन हो रहा होगा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला तो बेनिफिट में जिसका बेनिफिट हायर होगा उसकी बुनियाद पर डिसाइड करेंगे। ये उसी तरह से है जैसे आपने रेवेन्यू और कॉस्ट वेरियंसेस देखे थे कि अगर रेवेन्यू टारगेट से ज़्यादा हो रहा है तो वो फेवरेबल है, जबकि कॉस्ट टारगेट से ज़्यादा लग रही है तो वो अनफेवरेबल है। सो हम इक्विवेलेंट एनुअल वैल्यू की बात करेंगे। सो ये एक अगेन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप ज़रा इसको देखें और ख़ुद से ज़रा कैलकुलेट करने की कोशिश करें। सेल लिमिटेड इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग एन एसेट विद वन ऑफ इट्स टू पॉसिबल मशीन्स, मशीन एक्स हो सकती है मशीन वाई हो सकती है, इनिशियल कॉस्ट बता दी गई, लाइफ 3 years है, दूसरा वाई प्रोजेक्ट है उसकी इनिशियल कॉस्ट बता दी गई और उसकी लाइफ 2 years है। अब इसमें लाइफ मुख्तलिफ है, 3 years है और 2 years है, रनिंग कॉस्ट बताई गई है 20,000, 35,000, सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट बताई गई है, हमें कोई इनफ्लो के बारे में नहीं बताया गया। सो हम तमाम कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव एनपीवी ही बचेगा, तो दूसरे लफ्जों में वो नेगेटिव कॉस्ट होगी, तो जो लीस्ट कॉस्ट वाली ऑप्शन होगी वो हमारे लिए सूदमंद होगी। आप जरा अपने तौर पे पहले ट्राई करें, नीचे सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, बट जस्ट एक दो मिनट के लिए खुद से अगर आप कैलकुलेट करें नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आपके लिए जरा आसानी भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट जहन में रह जाएगा।
जी सलमान साहब राइट, आपने एक मशीन का आंसर बताया, दूसरी का भी काइंडली कैलकुलेट कर लें। राइट जी, ठीक है सलमान साहब, आपने दोनों एनपीवीज कैलकुलेट किए हैं। अब आप दोनों एनपीवी अगर कैलकुलेट किए हैं तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट भी निकाल लें, मीन एनुटी फैक्टर से डिवाइड भी कर लें। जी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट फाइंड करनी है सलमान साहब, यही तो मैंने कहा एनुटी से दोनों एनपीवीज को जो आपने निकाली है डिवाइड कर दें, दोनों नेगेटिव हैं ये जहन में रहे। सर मशीन एक्स की आ रही है 68,254 जी, और मशीन वाई की आ रही है 69,571। मशीन एक्स की ज़्यादा कॉस्ट कम है तो हम ये प्रेफर करेंगे। तो ये आपके सामने इसका सोल्यूशन नजर आ रहा है, इसको जरा देख लें आपने कैसे किया है और ये कैसे है, दोनों में अगर आपको फर्क आ रहा है तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो दिस इज देयर मशीन एक्स की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो नेगेटिव है 169,740, और जो मशीन वाई है उसकी 120,760 है। अगर आपकी मैच नहीं दी तो नहीं, सर मैंने अभी एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट निकाला था। अच्छा हो गया, आपने इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड वैल्यू निकाली है, फाइन ओके। वो आपने क्या बताई है, बताइएगा क्या आता है। वो पहले वाले की 68,254 राइट, और दूसरे की 69,571। ओके दैट्स ग्रेट जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन वाई जो है वो प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू मशीन एक्स। नहीं सर मशीन एक्स प्रेफर करेंगे ना, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। शाबाश, बस ये चेक करना था क्योंकि ये कॉस्ट है तो कॉस्ट के कंपैरिजन में हम लीस्ट कॉस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये बेनिफिट होता तो हम जो ज्यादा बेनिफिट है उसको एक्सेप्ट करते। आई होप बात समझ आई होगी। यस सर। सो बाकी लोग जो कह रहे हैं अगर उनको भी कन्फ्यूजन है तो बात पूछ लें। जी ठीक है सलमान साहब, आप एक्स मशीन बाय कर लीजिएगा। सो द पीपल हु आर विद अस अगर वो कर रहे हैं और कोई कन्फ्यूजन है वांट टू आस्क तो पूछ लें। सर एक दफा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें एनालाइज्ड कैश फ्लोस वाला। अच्छा जी, इनफैक्ट आइडिया ये है जी, सबूत सब आप पहले पूछ लें मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। आप दो दो दफा हमारे पास नजर आते हैं।
जी आप अपना एक माइक बंद कर लें, क्योंकि आप दो जगहों से ऑनलाइन है तो वो फिर आवाज क्लियर। जी सर आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। आप डबल डबल क्लास पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर। अच्छा ये इसमें अगर एनवीटी का फार्मूला ना लगाएं और हम डायरेक्टली वो जो डिस्काउंट रेट्स हैं उनको ऐड करके डिवाइड कर दें जी, तो ये ठीक है सर? मतलब देखिए वो जो एनवीटी का टेबल बना हुआ है या जो मैं फार्मूले से निकाल रहा हूँ, असल में वो बनता भी ऐसे ही है, उसे क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं और वो ऐसे ही बनता है जैसे आप कह रहे हैं। तो आप अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का टेबल भी मौजूद है ना, तो आप उसमें अगर दो साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनविटी का देखना चाहते हैं, तो जो दो साल का आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है जो आपको सिंगल अमाउंट में नजर आता है, अगर उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एनविटी फैक्टर ही बन जाएगा। ठीक है? अच्छा ठीक हो गया सर। ठीक है जी। सबूर साहब के अलावा कोई और कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आशा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। सवाल ये पूछा गया अगर लाइफ्स बराबर नहीं है तो प्राइमरली ये यहाँ पे दो तरीके मैंशनड हैं, लेकिन हम आमतौर पे जो तरीका फॉलो करते हैं वो इक्विवेलेंट एनालाइज्ड वैल्यू होता है। चूँकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन है हमारे पास आइदर और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, तो हमने इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होते हुए अगर कोई एक ऑप्शन ऑप्ट करनी है तो विच एवर ऑप्शन वी आर गोइंग टू ऑप्ट, जिस ऑप्शन को ऑप्ट करना है अगर तो लाइफ भी सेम है और इसके अलावा इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी सेम है तो हमारे लिए इतने मसले वाली कोई बात नहीं है, हम एनपीवी को ही बेस बनाएंगे। लेकिन अगर लाइफ सेम नहीं है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी सेम नहीं है, फ़र्क है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें फिर मल्टीपल जो अप्रोचेज हैं जो इसी नेट प्रेजेंट वैल्यू से ही डिराइव हुई है उनका मॉडिफाइड वर्जन है उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अनइक्वल लाइफ्स की सूरत में हम प्राइमरली जानना ये चाह रहे हैं कि अगर दो सालों में या चार सालों में इतना बेनिफिट मिलता है तो हमें देखना है कि ऑन एवरेज एनुअल बेनिफिट कितना होगा। अगर एनुअल बेनिफिट या एनुअल कॉस्ट हमें पता चलेगी तो हम डिसाइड कर सकेंगे। सो ये 7180 नेट प्रेजेंट वैल्यू वी विल बी एबल टू जनरेट, हम कर सकते हैं जनरेट, सब्जेक्ट टू क्या है कि हम दो साल पैसे अपने कमिटेड रखें इस प्रोजेक्ट के अंदर, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट से हम 5700 की रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, एनपीवी जनरेट कर सकते हैं वाइल कमिटिंग आवर फंड्स जस्ट फॉर वन ईयर, एक साल के अंदर। देखिए 5700 प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 30,000 आपका लगेगा और आपको 35,700 मिलेगा, यानी आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ गई और नेट बेनिफिट जो 5700 का है। तो अगर वन ईयर के बाद ये 30,000 रिलीज हो जाता है तो यू मे री इन्वेस्ट इस 30,000 अगेन फॉर द सेकेंड ईयर। अगर आप इसी प्रोजेक्ट को दोबारा ऑप्ट कर लेते हैं और एक और साल ये पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो टेक्निकली जब इसकी लाइफ दो साल है तो दो साल इसके भी इन्वेस्टेड रहें तो ये पैसे 5700 नहीं बल्कि 5700+5700 हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हम वो तो नहीं कह रहे कि दोबारा इन्वेस्ट कर दें, अगर हम एनुअल बेनिफिट निकालते हैं और एनुअल बेनिफिट निकालने का तरीका का जो टोटल बेनिफिट ओवर द लाइफ मिलना है उस लाइफ पीरियड के एनपी फैक्टर से डिवाइड अगर कर देंगे तो वो एनुअल बेनिफिट या एनुअलाइज्ड बेनिफिट की अमाउंट मिलेगी और उस बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे। आई होप बात समझ आई है। थोड़ा सा ही आता है मतलब सर्च करें हम थोड़ा सा मतलब मतलब माइनर रहता है ना, मतलब डिफरेंस इतना नहीं जाता कॉस्ट का या बेनिफिट का यदि तो कर सकते हैं हम। सॉरी क्लेरिफाई कर दें, थोड़ा गैप नजर आता है, किस चीज के थोड़े गैप की बात कर रहे हैं आप? सर इसकी एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट की बात कर रहा हूं। जी जी ठीक है। एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं। इसका डिफरेंस दोनों प्रोजेक्ट्स का माइनर सा आता है, इनसिग्निफिकेंट। इसमें एक प्रोजेक्ट की लाइफ ज्यादा है कि कम है और
जाहिर है हम जो अगर एक एसेट की बात कर रहे हैं, ये दोस्त में भी लिखा हुआ है कि जो ज्यादा अच्छा चलेगा उसकी बाद में कॉस्ट भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगी और रीसेल जी वैल्यू भी रिड्यूस होगी। जी और अगर फर्क थोड़ा सा ही है तो हम कम वाला प्रोजेक्ट चूज करेंगे, कम जी देखिए, नंबर वन तो सालों ये वाला। है ना जी, नंबर वन तो ये है कि आप चूज कर रहे हैं जिसकी इक्वल एंड एनुअल वैल्यू, अगर ये जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे सामने जो सिनेरियो नजर आ रहा है जिसकी ज्यादा है। मैं आपका जो सवाल समझ पाया हूँ, फर्ज कर लेते हैं ये 5,987 है और जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी 5,900 रुपये है, समझ आ गई बात जी? ठीक है, ये फर्क बड़ा माइनर सा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें किसको ऑप्ट करना चाहिए, जब फर्क माइनर सा है तो क्या हमें एक्स को ऑप्ट करना चाहिए या वाई को ऑप्ट करना चाहिए? तो ऑब्वियस बात है कि हम वाई को ही ऑप्ट करेंगे क्योंकि उसका इक्वलेंट एनुअल बेनिफिट एज कम्पेयर टू द अदर प्रोजेक्ट ज्यादा है। वो जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है ना, वो सारे के सारे हम असेस कर चुके हैं अगर, और हम इन दोनों में से डिसाइड करना चाह रहे हैं तो फिर हम ऐसे ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, हेलो, एक सेकंड होल्ड करिएगा जी। जी सॉरी, अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था सदाम साहब कि जैसे मैंने चेंज किया, अगर मैं यहाँ पे 5,900 कर दूँ और यहाँ पे 5,987 ही है, अगर मार्जिन इतना सा भी कम है तो ऑब्वियसली इवन देन हमारे लिए प्रेफरेबल वही होगा जिसका इक्वलेंट एनुअल बेनिफिट ज़्यादा है, या अगर कॉस्ट है तो इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट कम है। बात समझ आ गई जनाब? ठीक है सर, मतलब इसमें सो सर क्वेश्चन में भी कोई नॉन मॉनेटरी वैल्यूज ही होती हैं जिसमें कॉस्ट है आने वाले वक्त की, है उसको नहीं कंसीडर करना है। अच्छा जी ठीक है, देखिए ये सारी जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, दे आर बेस्ड अपॉन सर्टन एजम्पशंस। ठीक है, वो जो एजम्पशंस हैं उन एजम्पशंस में एक तो जो हमारी एजम्पशन चल रही है ना वो ये है कि हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो सर्टन हैं, हम श्योर हैं। देखिए जो हमने वो प्रोबेबिलिटी वाली भी बात इसमें डाली थी, तो वो प्रोबेबिलिटी वाली बात जो हमने डाली तो हमने यही कहा कि अगर वो श्योर या सर्टन नहीं है तो फिर सूरत हाल क्या होगी, अगर वो श्योर या सर्टेन है तो फिर हमारी सूरत हाल क्या होगी। मैं आपके सामने जी ये शेयर करता हूँ। सिस्टम एनर्जी ये कुछ इशू कर रहा है सिस्टम। जी आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। जी सर, आ रही। अच्छा जी, सो लुक एट दिस स्लाइड। ये इनिशियल डेज में भी बात की थी कि जो हमारी डिसीजन है ना ये कुछ एजम्पशंस पे डिपेंड करता है। वो लेट मी, अच्छा वो स्लाइड मैंने कोई गलत खोल ली है।
अच्छा चले, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, वो दूसरी है। सो ओके, मैं ये बता रहा हूँ जनाब, कुछ एजम्पशंस पे हम खड़े हैं। वो जो एजम्पशंस है हमारी, वो एजम्पशन ये है कि जो कैश फ्लोज है वो सर्टन है। अगर वो कैश फ्लो सर्टन नहीं है, डिफरेंट चांसेस मौजूद हैं कि ये हो सकता है या वो हो सकता है, तो फिर उस सूरत हाल में हम प्रॉबेबिलिटी एनालिसिस को अकाउंट फॉर करें और प्रॉबेबिलिटी एनालिसिस की बुनियाद पर डिसाइड करें। इसी तरीके से अगर हमारे जो एजम्पशन है दूसरी, कि जो कुछ हम बिजनेस से कमा रहे हैं उसके अलावा हमें कोई इंटेंजिबल जो बेनिफिट्स या नुकसान है वो कोई एज सच नहीं होने जा रहा इन फ्यूचर, अगर वो नहीं होने जा रहा तो फिर ऑब्वियसली हम उनको इग्नोर करके डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर वो भी होने जा रहा है और अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेयर कर सक रहे हों, तो हमें मॉनेटरी टर्म में अगर उसकी मेयरमेंट पॉसिबल है इंटेंजिबल बेनिफिट्स की, तो फॉर श्योर उन इंटेंजिबल बेनिफिट्स को इंक्लूड करना चाहिए अपने एनालिसिस के अंदर। बिकॉज अगर उन इंटेंजिबल बेनिफिट्स के बगैर डिसीजन करेंगे या उनके साथ डिसीजन करेंगे तो रिजल्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैं जो स्लाइड शो चला रहा था तो बंद कर बैठा। अच्छा जी, ये सिचुएशन मैं आपके सामने एक एग्जांपल से नरेट कर देता हूँ। सो इंटेंजिबल बेनिफिट्स माइट इंक्लूड इंक्रीज क्वालिटी। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हम वो जो नया प्लांट लगाने जा रहे हैं और नया प्लांट लगाने के नतीजे में हमें कुछ तो मॉनेटरी बेनिफिट हासिल हो रहे हैं कि वो चीज़ें बिकेंगी, उनसे रेवेन्यू मिलेगा, उन चीज़ों को बनाने के लिए हमारी कॉस्ट लगेगी, तो हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो जैसे बनाए, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और अगर कोई टैक्स वैक्स है तो उसका इफेक्ट भी डाला एंड ऑल दैट। लेकिन अगर हम वो जो अब प्रोजेक्ट या मशीन ऑप्ट करने लगे हैं अपने इदारे के लिए, उससे अगर हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर हो सकती है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होने की सूरत में फ्यूचर रेवेन्यूज के अंदर भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। नॉट ओनली जो इस प्रोजेक्ट से या इस मशीनरी से हम फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपो जो है वो बेहतर होगी, तो उससे हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जो दूसरी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उसमें भी हमें बेनिफिट मिल सकता है। सो अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेयर कर सक रहे हों, हम मेयर कर सकते हों, तो डेफिनेटली इससे हमें बेनिफिट होगा। अगर क्वालिटी हमारी इम्प्रूव हो जाती है तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी मौजूद है, अगर फर्ज कर ले हम आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अगर हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, तो इसका मतलब जो आफ्टर सेल हमारे क्लेम्स हैं वो कंपैरेटिवली कम होने के चांसेस हैं। अगर वो कम होने के चांसेस हैं, वो इंटेंजिबल है, तो लेकिन उसका भी अगर मॉनेटरी टर्म में मेजर करें कि कितने क्लेम कम हो गए और उससे हमें वो जो रीवर्क करना पड़ता है या अपनी लेबर फोर्स उस चीज़ पे लगानी पड़ती है उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, उससे बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट जिस मशीन पर बना रहे हैं वो हाईटेक मशीनरी है, जो प्रीवियस मशीनरी थी उसमें प्रिसीजन के बहुत इश्यूज थे, प्रिसाइज प्रोडक्ट उस तरह से क्वालिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, या उस मशीन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए वो सेफ़ नहीं थी, अगर एम्प्लॉयज़ के लिए वो सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मशीन नहीं जो ऑप्ट कर रहे हैं आप, तो उससे आपकी एम्प्लॉय की लॉयल्टी भी इन्हेंस हो, तो ये सारे वो इंक्रीज क्वालिटी है, इम्प्रूव सेफ्टी है, या इन्हेंस एम्प्लॉय क्वालिटी है, एम्प्लॉय लॉयल्टी है, इससे कस्टमर लॉयल्टी के साथ भी लिंक किया जा सकता है, ये मुख्तलिफ बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं विद इग्नोरिंग वाइल इग्नोरिंग इंटेंजिबल बेनिफिट्स, अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये मेक इट श्योर कि अगर वो रिजेक्ट हो रहा है, तो अगर आप उससे रिजेक्ट होने से बचाना चाहते हैं, तो आप उन जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करें, बट सब्जेक्ट टू कि आप उन इंटेंजिबल बेनिफिट्स की पहले मॉनेटरी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकें। नंबर टू लिखा है भाई, रफ या कंजर्वेटिव एस्टिमेट बनाए वैल्यू ऑफ दोज इनटेंजिबल बेनिफिट्स, आप मतलब एग्जैजरेटेड एस्टिमेट भी ना बनाए उन इनटेंजिबल बेनिफिट्स के, कंजर्वेटिव होते हुए व्हाट मिनिमम इज एक्सपेक्टेड उन इनटेंजिबल बेनिफिट्स को अकाउंट फॉर के डिसाइड करें। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200,000 है, एनुअल कैश इनफ्लोज 50,000 और आउटफ्लोज जो है वो 20,000 है, नेट जो है वो 30,000 मिल रहे हैं, एस्टिमेटेड लाइफ 10 years है, तो आप 12% डिस्काउंट रेट है अगर आप एनुअलिटी फैक्टर अप्लाई करते हैं, बिकॉज ये सेम कैश फ्लोज हैं, 12% पे 10 year का फैक्टर ये लिया गया,
जो कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 169 है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं तो नेगेटिव एनपीवी जनरेट हो रही है. सो प्रॉबेबली वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट सब्जेक्ट टू हमें इनटेंजिबल बेनिफिट्स के बारे में ना हमने उनको अकाउंट फॉर किया है सिंस वी हैव नॉट कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड दैट. लेकिन अगर हम उसको एस्टिमेट कर लें तो शायद प्रोजेक्ट का डिसीजन डिफरेंट हो जाए. सो वर्क एस्टिमेट दैट सेल विल इंक्रीज कैश इनफ्लोज बाय 10,000 एनुअली एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन क्वालिटी. वो जो रूटीन में सेल जनरेट हो रही है उसके अलावा ये चांसेस हैं कि $10,000 से सेल बढ़ जाएगी बिकॉज क्वालिटी हमारी इम्प्रूव हो गई है. इसके अलावा इट इज एस्टिमेट दैट एनुअल कैश जो कॉस्ट आउटफ्लो वुड बी रिड्यूस बाय 5,000 एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर वारंटी क्लेम्स. अब वो वारंटी क्लेम्स जो आएंगे चूंकि क्वालिटी इन्हेंस होगी तो वारंटी क्लेम्स कम हो जाएंगे. उससे जो हमें बेनिफिट एक्सपेक्टेड है वो 5,000 है, रिड्यूस इंजरी क्लेम्स एंड मिस्ड वर्क डे ऑल दैट. तो अगर ये बेनिफिट्स हैं अगर हम इनको पहले इग्नोर कर रहे थे अगर हम इनको इंक्लूड करें तो शायद प्रोजेक्ट हमारे लिए बेहतर पॉसिबल ऑप्शन फीजिबल ऑप्शन बन जाए. एनुअल कैश फ्लो रिवाइज 50,000 पहले मिल रहे थे, 10,000 और जो अभी इनटेंजिबल बेनिफिट वाली बात हुई और जो कैश फ्लो पहले जा रहे थे वो 20,000 थे लेकिन 5,000 का आपको उसमें से सेविंग हो रही है. तो 5,000 सेविंग अगर अकाउंट फॉर करें तो नेट ऑफ बेनिफिट जो होगा वो 45,000 का है. नेट कैश फ्लो 45,000 की बुनियाद पर अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो 254,000 नाउ प्रोजेक्ट बिकम एक्सेप्टेबल फॉर अस. सो अगर इनटेंजिबल बेनिफिट्स एग्जिस्ट करते हैं और आप उनको अकाउंट फॉर कर लेते हैं तो आपका डिसीजन रिफाइन हो सकता है. लेकिन ये ख्याल रहे तो यहाँ पे दो पॉइंट लिखे हुए हैं कि आप इन जो कैश फ्लोज हैं जो इनटेंजिबल बेनिफिट्स हैं उनकी जो मॉनेटरी टर्म में वैल्यूएशन है वो कंजर्वेटिव होते हुए रियलिस्टिकली आइडेंटिफाई कर सके तो ही इसको एनालिसिस का पार्ट बनाया जा सकता है. लेकिन अगर वो किताबी सी बातें हैं थ्योरेटिकली ये लगता है कि क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और कस्टमर की लॉयल्टी बेहतर हो जाएगी और उस कस्टमर की लॉयल्टी बेहतर होने से हमारी अदर प्रोडक्ट की सेल पे भी फ़र्क पड़े, अगर ये सारी बातें थ्योरेटिकली हैं लगती हैं लेकिन शायद रियलाइज उस तरह से ना हो पाए तो फिर आप फॉर श्योर इसको एनालिसिस में अकाउंट फॉर नहीं करेंगे बिकॉज कंजर्वेटिव होते हुए आप एनालिसिस करते हैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और बाद में रिजल्ट जनरेट ना हो तो भी प्रॉब्लम होगा. तो जो बाद में रिजल्ट जनरेट ना होगा उसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था जिसे हम टेक्निकली पोस्ट ऑडिट कहते हैं. सो आप जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है या प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं दैट डजंट मीन कि आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के बाद अब आप बरी जिम्मा हैं, आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे. यू नीड टू परफॉर्म अ पोस्ट ऑडिट. जो वो कैश फ्लोज आपके सामने रखे गए जिनकी बुनियाद पर आपने डिसाइड किया कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, लाइक हमें ये कहा गया कि ये कैश फ्लोज हमारे एक्सपेक्टेड हैं आने वाले सालों में, 40,000 इन्वेस्टमेंट लगेगी, 10,000 के एनुअल इनफ्लो होगा. सो ये अगर 10,000 ना होता, 10,000 की बजाय कुछ और होता एक्सपेक्टेड कैश फ्लो तो शायद प्रोजेक्ट की एनपीवी भी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होती. सो हमारा जो सारे का सारा एनालिसिस है वो इस अजम्पशन पे खड़ा है कि ये कैश फ्लो हमें मिलेगा. लेकिन क्या ज़रूरी है जो हमने सोचा वही कैश फ्लो हमें मिलेगा? वो उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. अगर वो सर्टनिटी के साथ अज्यूम किया जा रहा है तो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल लिया. बट वंस यू हैव इम्प्लीमेंटेड दिस प्रोजेक्ट तो आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर एनुअल कैश फ्लोज को कंपेयर भी करेंगे कि वट वॉज टोल्ड टू यू कोटेड टू यू बाय दैट पर्टिकुलर मैनेजर जिसने कहा था ये काम करने से इतने पैसे आएंगे, हमने उसको भी तो पकड़ना है, वो भी इवेल्यूएट करना है कि क्या उसने हमें सही डिसीजन की तरफ लेके गया या गलत डिसीजन की तरफ लेके गया. तो उसके लिए तरीकाकार पोस्ट ऑडिट का होता है. वंस द टास्क इज डन या इम्प्लीमेंटेड तो फिर जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं या एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं वी नीड टू कंपेयर दैम विद दोज बजटेड वन वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज के साथ कंपेयर करेंगे ताकि आइंदा के लिए अपने जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उन प्रपोजल्स को स्क्रीन करने के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं उसको रिफाइन कर सकें या बेहतर बना सकें. आई होप बात समझ आ रही. जी सर. ओके सो वन थिंग मोर, एक चीज और है जो आपसे शेयर करना बाकी है, देन हम इस टॉपिक पे फातिहा पढ़ेंगे. समहाउ कॉम्प्रिहेंसिव है काफी इसमें,
काफ़ी सिनेरियोस जो डिस्कस हुए कि कैपिटल राशनिंग जैसे मैंने टर्म यूज़ की थी, लिमिटेशन है पैसे की, और अगर लिमिटेशन होगी तो आप अकॉर्डिंगली रैंक करके डिसाइड करेंगे। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंट वैल्यू जो कैश फ्लोज हैं वो हैं, आप एनपीवी बनाएंगे और एनपीवी यहाँ पे देख लें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बनाया गया है जो कि कैश फ्लोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है 1,60,000, 1,20,000 और 80,000। तो 1,60,000 जितना वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है उसे डिवाइड करके ये रैंकिंग आपको नज़र आ रही है। तो ये जहन नशीन कर लें कि हमें वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तब यूटिलाइज करना है जब हमारे पास उस तरह से कैश फ्लोज जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से नहीं हो। तो जी एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज।
We are all very sorry. In fact, I was on call with my teacher, in fact. So it was a long time. So unki call hai, to main unko matlab uthana farz bhi tha. To maine isliye call pe unse baat kara tha. Sorry for that. Aapko wait karna pada. So before that, hum jo baat kar rahe the, wo ye thi कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर देने के बाद हमें उस प्रोजेक्ट का ऑडिट भी करना पड़ता है. ऑडिट करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर. एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम फ्यूचर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के कुछ अर्सा बाद ही हमें यह नज़र आना शुरू होता है कि ये प्रोजेक्ट शायद जिस तरह से हमने सोचा था कि हमारे लिए वर्थ वाइल होगा, ये उतना वर्थ वाइल अपेरेंटली लग नहीं रहा. सो वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू कंटिन्यू विद दैट प्रोजेक्ट और आइदर टू अबंडन दैट प्रोजेक्ट. जी जेंटलमैन, मजर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं. जी मजर साहब. जी सर, मैं इंटेंजिबल बेनिफिट के हवाले से पूछना चाह रहा था कि जैसे सर आपने कहा कि अगर किसी प्रोडक्ट किसी डिसीजन के साथ हमारे इंटेंजिबल बेनिफिट है तो हम उसको भी अकाउंट फॉर करेंगे, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी. इसी तरह अगर कोई इंटेंजिबल कॉस्ट भी हो सकती है तो क्या उसको भी हम उसकी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू को अकाउंट फॉर करेंगे? अच्छा, चलें, बड़ा अच्छा सवाल है आपका. अब इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव में देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स, तो इन्वेस्टमेंट एसेट इसलिए नहीं कर रहे कि हमने उससे नुकसान उठाना है. इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने उससे बेनिफिट्स गेन करने हैं. फाइन, तो जो बेनिफिट्स गेन करने हैं, एक तो टेंजिबल हो गया ना, जो नज़र आ रहे हैं हमें कि ये चीज़ें इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे, ये चीज़ें बनेंगी, बिकेंगी, ये रेवेन्यू हासिल होगा. इस को चलाने के लिए हमें ये कॉस्ट फेस करना पड़ेगी. तो वो कॉस्ट और उन बेनिफिट्स का तो एनालिसिस कर लिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और बेनिफिट्स भी होंगे तो हम उनको अकाउंट फॉर कर रहे हैं. अब आपका जो सवाल है, मैं उसको इस एंगल से नरेट कर रहा हूँ. आप ये कह रहे हैं कि हम अगर कोई और बेनिफिट जो कि इनटेंजिबल है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ हम नुकसान एक्सपेक्ट कर रहे हों. नुकसान आते हैं इन सेंस कि हमें कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं और हमने जैसे वहाँ पे जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स देखे, उसमें हमने एक बात ये देखी कि हमारी कस्टमर लॉयलिटी बढ़ सकती है, हमारे एम्प्लॉय की लॉयलिटी बढ़ सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होने से वारंटी क्लेम्स कम हो सकते हैं. फाइन, अगर इसी को इस तरह से नरेट करें कि चलें ये प्रोजेक्ट लगाने से हमें ये बेनिफिट हो रहे हैं, बट इसका आउटकम ये भी हो सकता है कि दूसरे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके रेवेन्यू पे, उनकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ सकता है. सो अगर इस तरह का सर्कमस्टांस होगा तो हम उसको भी अकाउंट फॉर कर सकते हैं, जैसे इंटेंजिबल बेनिफिट्स को कह रहे हैं. बट सवाल असल में ये है कि उनकी मेजरमेंट किस तरीके से होगी. आपको प्रूडेंट होते हुए उस चीज़ का एनालिसिस करना है और उसकी बुनियाद पर अगर देखें, जो बेसिक कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के हवाले से हमने बात की थी, उसमें जो सबसे पहली बात आई थी, जो इनिशियल हमने डिसीजन क्राइटेरिया के हिसाब से ले किया था, वो ये था कि जो प्रोजेक्ट हम ऑप्ट कर रहे हैं उसका रिलेशनशिप विद अदर प्रोजेक्ट्स भी हमने देखना है, जो हम प्रोजेक्ट्स जो हम इदारा चला रहे हैं. मैं आपको आपको अगर रिलेट करूं, आई डोंट नो कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, तो पीपल हु बिलोंग टू लाहौर और एटलीस्ट पंजाब प्रोविंस, दे माइट बी अवेयर कि लाहौर के अंदर एक ब्रांड है गोरमे के नाम से, इफ़ यू नो अबाउट दैट. मैं इनफैक्ट वो थोड़ी सी लोकल एग्जांपल देता हूँ जिस तरह चीज़ समझ आ जाए. जी इनफैक्ट वो जो ब्रांड है, उस ब्रांड की बेकरी आइटम्स हैं, और बेकरी आइटम्स में लाइक अगर वो केक्स बनाते हैं तो उन्होंने केक्स के अंदर एक एक स्पेशल कुजीन डेवलप कर ली. वो प्रीमियम कुजीन कर लें, उसका नाम उन्होंने जो रखा वो बॉन विवेंट. सो अब एक तो ये है कि अगर वो उस तरह के केक्स या उस तरह की बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उस तरह की बेकरी प्रोडक्ट बनाने से कुछ बेनिफिट्स तो एक्सपेक्टेड हैं. देयर मे बी अ नंबर ऑफ न्यू क्लाइंट्स जो के ऐड हो सकते हैं. फाइन, लेकिन इसमें ये चीज़ भी कंसिडर करने वाली होगी कि अगर वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स न्यू ऐड होंगे तो देयर माइट बी अ चांस कि जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जो हमारी वो वाले केक्स या वो वाली कुजीन बाय कर रहे थे रेगुलर वाली,
वो उससे शिफ्ट हो जाएंगे, वो हमारी इस कुजीन पे आ जाएंगे और उस जो प्रोजेक्ट है हमारा उससे हमें रेवेन्यू के अंदर थोड़ा बहुत जो डिक्लाइन है वो फेस करना पड़ेगा। सो वाइल मेकिंग एनालिसिस हमें उस डिक्लाइन को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए, चूंकि उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट हमारे इस प्रोजेक्ट पे क्या है और अलॉन्ग विद दैट जो रिलेटेड प्रोजेक्ट है उस पर क्या है उसको अकाउंट फॉर करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ नंबर पॉइंट में, रिस्क एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक, और दूसरा लिखा हुआ है नंबर टू पे रिलेशनशिप अमंग प्रपोज प्रोजेक्ट्स, जो हमारे प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं उनका आपस में और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को एनालाइज और स्टडी करने के बाद ही हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम डिसाइड कर सकें कि हमारे लिए क्या चीज़ वायबल है और क्या चीज़ वायबल नहीं है। आई होप बात आप समझ आई होगी जी। यस सर, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच। सो अच्छा जी, मैं अपने तौर पर तो शायद वो स्लाइड शेयर कर रहा था, तो मैंने अभी देखा है कि वो स्लाइड की बजाय ये फाइल आपके सामने खुली हुई थी। एनीवेज मैं वो स्लाइड रेलेवेंट ओपन कर रहा था जी। चलें एक और जो बात है वो हम डिस्कस करके इस टॉपिक के हवाले से, कोई और पॉइंट अगर आपके जहन में नहीं है इस टॉपिक को हम समाओ कंक्लूड करने की पोजीशन में होंगे। सो मैं आपको जो बात बता रहा था कि वो ये थी कि हम जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ऑडिट करेंगे, पोस्ट ऑडिट इसे कह रहे हैं, उसे पोस्ट कम्प्लीशन ऑडिट या पोस्ट कम्प्लीशन अप्रेजल के नाम से जाना जाता है। तो पोस्ट कम्प्लीशन अप्रेजल जैसे ये मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं लिखे हुए हैं कि हम आमतौर पर कोई प्रोजेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं फ्यूचर के बारे में, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का डिसाइड करते हैं और देन उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वंस द डिसीजन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड तो अब अगला काम हमारा शुरू हो जाता है, उस डिसीजन को उस जो प्रोजेक्ट पे हमने इन्वेस्ट कर दिया उसको फिर इवेल्युएट भी करें कि व्हाट वी हैव अचीव्ड एक्चुअली। तो अगर हम उसको इवेल्युएट करते हैं उससे एक तो बात यह है कि हमारा जो फ्यूचर ये सारा प्रोसेस है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, फ्यूचर प्रोडिक्शन को बेहतर बना सकते हैं, फ्यूचर डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। और जो दूसरा आस्पेक्ट है वो ये है कि इट माइट बी पॉसिबल कि जब हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया और वाइल वी आर कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स विद द प्लान वन विद द एस्टिमेटेड वन, सो हमें नज़र ये आता है कि नहीं शायद ये प्रोजेक्ट उतना वर्थ वाइल नहीं है या शायद हमारे लिए नुकसान का बाइस बन रहा है अपेरेंटली, तो अब हमें इसको कॉन्टिन्यू करना चाहिए या अबंडन कर देना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यू कर देना चाहिए। सो देयर आर टू थिंग्स, अगर कॉन्टिन्यू करेंगे तो कितना फ़ायदा या नुकसान है, और अगर अभी छोड़ देंगे इस प्रोजेक्ट को अबंडन कर देंगे ख़त्म कर देंगे तो कितना फ़ायदा नुकसान है, कंपैरिजन दोनों का किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। जैसे टाइटल लिखा हुआ है प्रोजेक्ट अबंडनमेंट ड्यूरिंग अ पोस्ट कम्प्लीशन अप्रेजल, जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया और अप्रेजल कर रहे हैं, मे बी रियलाइज दैट प्रोजेक्ट इज नॉट लाइकली टू बी सो प्रॉफिटेबल एज फर्स्ट थॉट, जैसे सोचा गया था उतना प्रॉफिटेबल नहीं है इन द पॉसिबिलिटी। जी मानूर आप क्वेश्चन कर लें। सर आप बुक से पढ़ रहे हैं? जी मैं आपके सामने ये खोला हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं सर आप वो स्लाइड से ओपन है। अच्छा स्लाइड ओपन है, सॉरी मैंने अपने तौर पे बुक खोली, अब नजर आ रहा है? जी जी सर। ओके दैट्स ग्रेट। जी तो मैं ये पढ़ रहा हूँ ये इनफैक्ट कि हम पोस्ट कम्प्लीशन ऑडिट के प्रोसेस में जाते हैं, और मैं इनफैक्ट आपको जो डायग्राम शो कर रहा था मैं वो डायग्राम भी दोबारा शो कर देता हूँ कि देर आर डिफरेंट स्टेप्स इनफैक्ट जो जो हमारा ये प्रोसेस है हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। इनफैक्ट ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम जो प्रोजेक्ट डिसाइड करने के लिए जाते हैं तो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं जैसे कैश फ्लोज वगैरह को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा हम इन कैश फ्लोज की बुनियाद पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट का डिसीजन करते हैं। एक्सेप्ट रिजेक्ट का डिसीजन हो जाता है ये मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं इनकी बुनियाद पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और जब इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो देन हम उसको इवेल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस को कि व्हाट वी परसीव्ड अर्लियर व्हाट वी प्रोजेक्टेड अर्लियर क्या वही हम अटेन कर पा रहे हैं या नहीं। सो जो इसके नतीजे में जब नॉलेज हम गेन कर रहे हैं उस नॉलेज गेन करने से हम दो तीन जो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, हम फ्यूचर के अंदर सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स की प्रेडिक्शन को बेहतर बना सकते हैं,
हम अपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो हमारा प्रोसेस है या डिसीजन है उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। हम डिसीजन को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन उसकी कब करनी है, किस टाइम पे करनी है, उस टाइम को भी बेहतर बना सकते हैं। एक तो ये आस्पेक्ट हो गया। जो दूसरा आस्पेक्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हमने प्रोजेक्ट पे एनालिसिस करना शुरू किया सून आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन और हमें ये नज़र आना शुरू हुआ कि पोस्ट ऑडिट के अंदर, पोस्ट अप्रेजल के अंदर हमें यह नज़र आना शुरू हुआ कि दैट प्रोजेक्ट इज नॉट लाइकली टू बी सो प्रॉफिटेबल, उतना नहीं है एज फर्स्ट थॉट जितना सोचा था, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अबंडनिंग इट, खत्म कर दें और टर्मिनेटिंग इट अर्ली शुड बी कंसिडर्ड, अभी बंद कर दें, कल बंद कर दें, हमें ये सोच में अगर पड़ गए हम तो जब भी अबंडन करना है, जब भी टर्मिनेट करना है तो हमें कॉस्ट बेनिफिट कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर आज टर्मिनेट कर दें तो क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा, और अगर कॉन्टिन्यू करें तो क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे फिर डिसाइड करेंगे। सो अगर उससे पहले जिस डेट से ऑनवर्ड आप अबंडन करने का डिसाइड कर रहे हैं, टर्मिनेट करने का, उससे पहले जो कैश फ्लोज वगैरह मिल चुके हैं वो संक कॉस्ट होती है या संक कैश फ्लोज हैं, क्योंकि माजी के जो कैश फ्लोज होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट डिसीजन को, यानी अब जो डिसीजन करने जा रहे हैं वो इररिलेवेंट होते हैं। हमने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में भी पढ़ा था। सो पास्ट कैश फ्लोज और ऑफ कोर्स आर इररिलेवेंट टू द डिसीजन, ओनली फ्यूचर कैश फ्लोज नीड टू बी कंसिडर्ड। सो फ्यूचर कैश फ्लोज इन और आउट फ्लोज दोनों। So abandoning the project is only necessary when the net discounted expected future cash flows of the project become negative. के future में जो cash flows मिलने हैं वो negative हो जाएं as compared to the abandoning option, तो हम उस project को abandon करेंगे। Like this is a scenario in front of you. एक project P है जिसके expected cash flows ये नज़र आ रहे हैं। हमने इसकी net present value निकाली 1474 है। प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। सो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, लेट्स सपोज हमने इम्प्लीमेंट किया जस्ट आफ्टर वन ईयर और जस्ट आफ्टर टू ईयर, लेट्स सपोज आफ्टर टू ईयर्स हमें ये लग रहा है कि नहीं उतने कैश फ्लो उतना बेनिफिट जनरेट नहीं हो पा रहा, तो लिहाजा हमें इसे अबंडन कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। सो वट एवर वी कैन रिसीव इन फ्यूचर हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू को सम करेंगे। लाइक अगर हम पहले साल के एंड पे टर्मिनेट करने के बारे में डिसाइड करते हैं तो हमें ये दो बेनिफिट अगले सालों में मिलने की उम्मीद है। इन दोनों का टोटल करके वी विल कंपेयर इट कि अगर अबंडन कर दिया जाए तो आज जितना बेनिफिट मिलेगा उसका और इन बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू का कंपैरिजन किया जाएगा, विच एवर इज हायर। अगर अबंडन करने वाली वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस तो फिर हम अबंडन कर देंगे, अगर फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है तो फिर हम कॉन्टिन्यू करेंगे। तो जिस टाइम पे अबंडन करना है उस टाइम पे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको कंपेयर किया जाएगा जो अबंडन करने के टाइम पे व्हाट वी कैन रिसीव, व्हाट वी कैन अर्न, व्हाट वी कैन डू। सो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पी 3500 pounds की है, रिप्रेजेंट्स द परचेज ऑफ एन ऑटोमाइज्ड मशीन, द price of which is known with certainty because it is a customized machine. ये customized machine है, so its resale value is very low. It can be only sold for 1000 pounds immediately after the purchase. Once खरीद लिया, अब खरीद लेने के बाद अब उसको आज कल परसों जब भी सेल करेंगे वो सिर्फ $1000 या 1000 pounds की बिक सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं बिक सकती। Reason is that वो customized थी, अगर कस्टमाइज ना होती तो इट माइट बी पॉसिबल आपको ज़्यादा कैश फ्लोज वगैरह मिल रहे होते हैं। सो वी नीड टू यू नो कंपेयर इट विद दैट। सो लिखा है भाजी, वंस द मशीन इज बॉट देयरफॉर इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अबंडनिंग द प्रोजेक्ट वुड बी $1000, $1000 ही मिलेगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1000 ही बनती है। This must be compared with the expected value of continuing the project. अगर continue कर लें, यहाँ पे comparison किया जा रहा है कि हम शुरू में जैसे ही project लगाया हमें लगा कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, तो जितने future benefits मिल सकते हैं उन तमाम की present value को total किया गया वो 4974 बनती है, 1000 के मुकाबले में 4974 ज़्यादा है, तो for sure हमें continue करना चाहिए instead of abandoning the project। लेकिन अगर यही काम हम यहाँ पे कर रहे होते 3rd year पे
तो फिर इसका मतलब हम सिर्फ 1503 हमें कैश फ्लो एक्सपेक्टेड था, इसको 1000 से कंपेयर करते हो, वो लकीली सिर्फ 1000 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 1600 होता तो फिर इस टाइम पे अगर हम डिसाइड करते तो शायद हम कहते कि अभी टर्मिनेट कर दें, बिकॉज ईयर थ्री कंटिन्यू करेंगे तो जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ 1503 होगा, जबकि टर्मिनेट करके 1600 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं तो फिर हमें दोनों फ्यूचर बेनिफिट्स को सम करके, लेट्स सपोज वो 1600 है, उससे कंपेयर करके हम डिसाइड करते हैं कि अबंडन करने से क्या बेनिफिट है और कंटिन्यू करने से क्या बेनिफिट है, तो विच एवर इज हायर उसको बेस बनाते हुए हम डिसाइड करेंगे। आई होप बात समझ आई है जी। यस सर। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल अगर किसी के जहन में है ये मैं जी प्लीज। सर हमारे जो है ना पास पेपर, उनमें एक क्वेश्चन आया हुआ था रियल रेट और मनी रेट के मतलब कुछ ऐसा था मतलब ना क्वेश्चन, और मैंने इसमें देखा है जो आपने बुक शेयर किया उसमें इन्फ्लेशन के टॉपिक में है ये रियल रेट और मनी रेट का, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और जी जस्ट अ मिनट। कि मुझे एक मिनट दीजिए कि मैं रेलेवेंट स्टाफ ओपन करूं ताकि आपको ज़रा समझाना आसान हो जाए। जनरली मैं वैसे बात शेयर भी कर दूंगा, लेकिन चूंकि अविश के जो बात आप फिर सवाल करें उसको डिटेल में आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ज़रा बेहतर हो जाता है इसे। ओके सर। जी ओके अच्छा जी, पहले तो एक चीज़ आपको थोड़ी सी जो समझने की ज़रूरत है, जिसे हम शायद इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वो इफ़ेक्टिव रेट क्या है पहले उसको जनरली ये ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपके सामने रखता हूँ जी, अगर आपको प्राइमरीली इलम है, वो जो बॉन्ड्स या डिवेंचर्स होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर अबाउट दैट, उन बॉन्ड्स या डिबेंचर्स पे आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है। इफ़ यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स तो आपको इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो जो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है या 10% आपके लिए रिटर्न है, या लाइक आपके पास कोई शेयर कैपिटल है, आपने उस कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है, कंपनी इज डिक्लेयरिंग 10% डिविडेंड, वो जो 10% डिविडेंड होगा दैट इज ऑन योर पेड अप अमाउंट। ये बॉन्ड कह लें, डिबेंचर कह लें, मैं यहाँ पे ऑब्लिक डाल के शेयर लिख देता हूँ, उस पर जो रिटर्न मिल रहा है, शेयर कैपिटल जिसे आप कहते हैं, ऑर्डिनरी या कॉमन स्टॉक जो होता है, कॉमन शेयर होता है, उस पर आपको ये रिटर्न मिल रहा है जी 10%। फाइन। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो पार वैल्यू जो है उस बॉन्ड डिबेंचर या शेयर की, लेट्स सपोज 100 है, तो जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड है, व्हाटएवर। अगर वो 10% मिलेगा तो वो आपको इस पार वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, तो यू आर गेटिंग 10 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, वो रिटर्न जिसे मैं इंटरेस्ट कह सकता हूँ अगर वो बॉन्ड या डिबेंचर पे है, या मैं डिविडेंड कह रहा हूँ जी। सो अगर बात समझ ना आए तो मुझे काइंडली रोक लीजिएगा। फाइन।
सो अगर ये जो शेयर है या ये बॉन्ड है या डिबेंचर व्हाटएवर, अगर मैं ये कहूँ कि इसकी मार्केट वैल्यू इस टाइम पे 100 की बजाय 150 रुपीज़ की है, तो टेक्निकली आपके जो पैसे उस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं वो 100 रुपये नहीं हैं, आपके जो पैसे इन्वेस्टेड हैं वो 150 रुपीज़ हैं। एम आई राइट जी? बिकॉज अगर आप इस कंपनी में ये शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, व्हाटएवर इसको ना खरीदे रखें, मतलब ना इन्वेस्टेड रखें, ये मार्केट में बेच दें शेयर, यू कैन गेट रुपीज़ 150। सो आपकी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में एट दिस टाइम मौजूद है वो 100 रुपी की नहीं है, बल्कि वो उस मार्केट वैल्यू के बराबर है। एम आई राइट जी? यस सर। ओके, सो व्हाट इज इफेक्टिव रिटर्न रेट? हमें इफेक्टिव क्या मिल रहा है? अगर हम समझें, हमें तो 10 रुपये डिविडेंड दिए जा रहे हैं, 10 रुपये इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये 10% है, लेकिन ये 10% 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो 10% है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट तो 150 की है। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 150 की है इस टाइम पे, तो अगर अब हम परसेंटेज निकालें तो ये रफली हमारे पास 6.67% बनता है। तो हमें जो इफेक्टिव इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6.67% है। ये बात समझ आती है? यस सर। ओके, तो अगर ये समझ आता है तो इसी बुनियाद पे जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो एक कहलाता है जिसे हम नॉमिनल रेट कहते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक होता है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नॉमिनल और रियल रेट के दरमियान जो फर्क होता है वो प्राइमरली, अगर इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस होगा तो वो इन्फ्लेशन का है। यानी अगर मुझे कहा जा रहा है कि आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, ये नॉमिनल रेट है जो मुझे बताया जा रहा है, लेकिन जो रियली मुझे मिल रहा है मेरे पैसे के बदले में, उसमें ये जो इन्फ्लेशन है उसको माइनस होना चाहिए। बिकॉज वो इन्फ्लेशन तो कॉम्पनसेशन हर एक को मिल रही है, मुझे मेरे पैसे के बदले में, इन्वेस्टमेंट के बदले में जो मिल रहा है या जो मुझे पे करना पड़ रहा है वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इस रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे फिशर एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये पर्सपेक्टिव है जो कि कार फरमा है। आई होप स्लाइड्स नज़र आ रही हैं जी, नज़र आ रही हैं जी? अच्छा जी, ठीक है, चलिए। ये अभी बात आ गई नॉमिनल या रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो आम तौर पे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये बराबर होता है रियल रेट, और इसमें शामिल होता है इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम। जो रियली व्हाट आई एम गेटिंग, वो जो नॉमिनली मुझे बताया जा रहा है, टेक्निकली उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक वो जो मुझे रियल अर्निंग हो रही है और दूसरा जो मुझे इन्फ्लेशन के लिए कॉम्पनसेट किया जा रहा है। तो ये फिशर ने ये चीज़ डेवलप की और ये तरीकाकार है, 1+ ये KRF स्टैंड्स फॉर नॉमिनल रेट, 1+ नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1+ रियल रेट इंटू 1+ इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम। ये फिशर इफेक्ट भी कहलाता है। ये अब एक एग्जांपल आपके सामने, पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, फिर आपके सिलेबस से उसका क्या रेलेवेंस है, वो पहले था अब उस तरह से नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर भी, ताकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो और इफ़ यू आर बीइंग आस्क अबाउट दैट तो आपको पता होना चाहिए। सपोज रियल रेट 3% है जबकि नॉमिनल रेट 8% आपको मिल रहा है, तो आप इन्फ्लेशन रेट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि रियल आपको 3% मिल रहा है, तो व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन रेट, इस सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको इन्फ्लेशन रेट मिलता है 4.85%। सो व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट कि अगर आपके पास ये नॉमिनल रेट नहीं है, आपको रियल रेट का पता है और इन्फ्लेशन का पता है, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए नॉमिनल रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचें? यस सर। ओके, सो इनफैक्ट जो आपके टॉपिक से इसकी रेलेवेंस बनती है, आपके इस टॉपिक से कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हवाले से जो रेलेवेंस बनती है वो ये है कि जो कैश फ्लोज हमें मिल रहे हैं, आपने हमने एक क्वेश्चन भी किया था, वो जितने कैश फ्लोज हमें मिल रहे थे हमने उनको इन्फ्लेशन अगर है तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज निकाले। सो ये टाइम एंड अगेन बात हुई, हमने पहले भी बात की जब हम फ्लेक्सिबल बजट के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो ऑरेंजेस और ऑरेंजेस का कंपैरिजन हो सकता है और एप्पल्स और एप्पल्स का कंपैरिजन हो सकता है। तो दिस कुड नॉट बी डन कि एक चीज़ आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है जो कि कैश फ्लोज हैं,
आप उसको अगर डिस्काउंट करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए। इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लो कौन सा होगा जो कि आपका नॉमिनल रेट होगा। अगर जो कि ये फॉर्मूला कह रहा है कि नॉमिनल रेट जो है उसके अंदर इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम भी और रियल रेट दोनों शामिल हैं। सो अगर आपको डिस्काउंट करने हैं कैश फ्लोज, अगर तो वो रियल कैश फ्लोज हैं, मीन वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, उनमें इन्फ्लेशन को जो फ्यूचर में होनी है उसको एडजस्ट नहीं किया गया, तो फिर आपके रियल कैश फ्लोज रियल रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट हो सकते हैं, जो नॉमिनल कैश फ्लोज हैं वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट हो सकते हैं। सो जो सिनेरियो आपके पास सवालों में मिलते हैं इसमें जो कि कैश फ्लोज फ्यूचर को के बारे में प्रोजेक्ट किया गया होता है, तो इट इज़ बीइंग अज्यूम नंबर वन कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज हैं। अगर वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है तो जैसे हमने एक सवाल किया था उसमें हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई कि आज प्राइस ये होगी और कल प्राइस इन्फ्लेशन ये होगी, इसको अकाउंट फॉर कर लें, तो हमने खुद उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लिया। हम खुद उन कैश फ्लोज को इन्फ्लेशन एडजस्टेड इसलिए कर रहे हैं कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहा है वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन फैक्टर को एब्जॉर्ब करके इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहा है। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजे में इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है मार्केट के अंदर, जो प्रिवेल कर रहा होता है, जो बैंक वगैरह चार्ज करते हैं। सो अगर इन्फ्लेशन मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो मनी सप्लाई ज़्यादा होने की सूरत में जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट रखा जाता है वो ज़्यादा की बजाय कम कर दिया जाता है या ज़्यादा कर दिया जाता है, ये समझने वाली बात है। अगर बैंकों से या मार्केट से पैसा सरकार ने वापस खींचना है तो वापस करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी मार्केट में पैसा मौजूद है अगर उस पर वैसे रिटर्न कम मिल रहा है लेकिन बैंक में रखने से इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो वो पैसा सारे लोग बैंकों में रखना शुरू कर देंगे, तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो मार्केट से निकल के बैंक और बैंकों से निकल के स्टेट बैंक के पास चली जाएगी। और इसी तरह से जो लोग बोरो कर रहे थे पहले धड़ाधड़, अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो बोरोविंग कम हो जाएगी, बोरोविंग कम होगी तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। तो टेक्निकली वो जो इंटरेस्ट रेट है वो सप्लाई ऑफ मनी को ही कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है। इसका मतलब इन्फ्लेशन कहते भी इसको हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं और टू फ्यू थिंग्स, जो टेक्निकल डेफिनेशन है कि टू मैनी जो मनी है, टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू थिंग्स, तभी इन्फ्लेशन होती है कि पैसे बेतहाशा लगा के आप कम से कम चीज़ खरीद पा रहे हैं तो परचेजिंग पावर कम होगी है। उसी को कंट्रोल करने के लिए फिर ये इंटरेस्ट रेट की आप और डाउन जो अप और डाउनवर्ड वेरिएशन होती है जो कि स्टेट बैंक पाकिस्तान में करता है। तो टेक्निकली वट एवर इंटरेस्ट रेट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट दैट इज बींग अकाउंटिंग फॉर All inflation factors which are prevailing in the market, तो जो आपको आमतौर पर cost of capital सवालों में required rate of return लिखा मिलता है ये presumed है कि ये inflation adjusted है। Since वो inflation adjusted है, nominal है, तो cash flows भी inflation adjusted या nominal होने चाहिए। So अगर वो inflation adjusted cash flows नहीं दिए हुए, हमने खुद adjust किया, तो इसीलिए adjust किया because nominal rate तो nominal cash flows से discount होगा। अदरवाइज अगर वो रियल कैश फ्लोज हैं बगैर इन्फ्लेशन के उनको डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रियल वाली लेनी पड़ेगी, तभी हमारा कंपैरिजन हो पाएगा, अदरवाइज ये कंपैरिजन अप्रोप्रिएट नहीं होगा। आई होप बात समझ आई है। यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट। इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन जी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कोई और सवाल है आप पूछ सकते हैं। फोरम इज ओपन, अदरवाइज जी मानूर आप सवाल पूछें। सर ये जो आप अभी नॉमिनल और रियल रेट के बारे में बता रहे थे सर, ये हमने मतलब करना है या वैसे ही अपने इंफॉर्मेशन जनरल इंफॉर्मेशन? आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि जिस स्टेज पे आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे कैपिटल बजटिंग के एस्पेक्ट आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। सिंस जो कि मैंने क्वेश्चन शेयर किए थे, ये सिलेबस चूंकि 19-20 होता रहा है, कभी ये टॉपिक इस सब्जेक्ट से निकल के इससे एडवांस टॉपिक में सब्जेक्ट में चला जाता था, कभी इसी में दोबारा ऐड कर दिया जाता था, और कभी इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया जाता था, क्योंकि इस तरह से होता रहा।
तो माजी के जो मैंने पेपर्स आपसे शेयर किए हैं जो कि उसमें उस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो आपके कुछ सवाल वगैरह उस हवाले से जनरेट हो जाते हैं। उन सवालों को मैं रिस्पॉन्ड इसलिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मटीरियल उसका मैंने शेयर नहीं किया, तो इसलिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मतलब यू विल बी ऑन द सेफ साइड। सही है सर। जी अच्छा जी, तो मतलब मैं ये बता रहा था कि आपको एटलीस्ट आइडिया होगा, तो अगर कोई अगर खुदा ना खास्ता, वैसे नहीं है चांसेस, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह से एमसीक्यू में कुछ चीज़ पूछ भी ली जाए तो यू विल बी एबल टू एटलीस्ट रिस्पॉन्ड दैट। मैं आपको वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ चॉइसेस ऐसी होती हैं जो टोटली इररेलेवेंट टाइप होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ रेलेवेंस अगर आपको नज़र आ जाएगी तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन। एटलीस्ट बिल्कुल ना नॉलेज होना और एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होना वो आपको पे करेगा, बट जो प्राइमरली प्रैक्टिस है वो सारी की सारी उसी चीज़ पर बेस करती है जो हमने ज़्यादातर मटेरियल डिटेल में डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें जिसको मैंने खुद से आपके सामने सॉल्व भी किया है, वो सारी चीज़ें उस चीज़ के साथ रिलेट होती हैं, उनको ज़रूर आपने करना ही करना है। ठीक है जी, ओके तो मैं एक चीज़ और बता के पर अगले टॉपिक की तरफ थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आज दूंगा और उससे रिलेटेड जो स्टाफ है वो आपसे शेयर करूंगा। मैंने जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेंशन किया था क्योंकि मैनेजमेंट इज़ ऑफ द व्यू के क्लासेस को क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम प्लान्ड है, इफ़ यू पीपल आर प्लानिंग टू अपीयर इन दैट एग्ज़ाम तो थोड़ा सा आपके पास बी सफिशेंट टाइम होना चाहिए, वंस वी कम्प्लीट द सिलेबस तो थोड़ा बहुत टाइम आपके पास हो आप उसको चीज़ों को इवेल्यूएट कर सकें, और कोई इशू हो तो जैसे आप लोग मुझे पहले भी वैसे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन अपनी क्यूरी भेज देते हैं, और यूजुअली ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूं, तो आई विल बी अवेलेबल इवन दाउट क्लासेस को हम वाइंड अप कर दें या कोर्स एक दफ़ा कम्प्लीट भी कर लें। द पीपल हु यूजुअली लिसन रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो इस तरह सिलेबस एक दफ़ा हम कम्प्लीट कर लेंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर वाले लोग भी जो हैं एटलीस्ट उससे बेनिफिट गेन कर सकेंगे। तो मैं जो बात है फाइनली उसको आपसे डिस्कस कर देता हूँ। अब अभी तक जो मुख्तलिफ मेथड्स हमने देखे अच्छा जी ठीक है सलमान साहब माशाल्लाह आप काफ़ी नॉलेजेबल आदमी हैं, आपने बताया कि आपने ये ऑपरेशनल लेवल में पढ़ा था तो दैट्स ग्रेट जी अच्छा है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का बेसिकली प्रिंसिपल है तो उससे रिलेटेड ओके। अच्छा जी मैंने जो बात अभी स्टार्ट की थी वो ये था कि जब हम कंपैरिजन के लिए जाते हैं तो अभी तक हमने जो डिफरेंट मेथड्स देखे इफ़ यू रिमेंबर तो उसमें सबसे पहला जो मेथड था हमारा वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न था, और मैंने बताया कि जब अगला मेथड डेवलप होता है इनफैक्ट उसके पीछे जो फैक्टर है वो उसे पिछले मेथड के नुकसान आते हैं प्राइमरीली। एक हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के हवाले से बात की और देन हम बात की हमने जी इफ यू रिमेंबर तो वो पे बैक पीरियड, इन दोनों मेथड्स के बाद हमने इन दोनों मेथड्स के फ्लॉ को जिक्र किया कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में प्रॉफिट्स को बेस बना रहे हैं तो प्रॉफिट्स में चूँकि डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ले रहे हैं और फिर उसकी कॉस्ट को ओवर द पीरियड ऑफ चॉइस प्रॉफिट को चार्ज करके भी अकाउंट फॉर करें तो ये थोड़ा सा डुबल हो जाता है, इससे बचने के लिए हमें कैश फ्लोज को यूज़ करना चाहिए। कैश फ्लो के अंदर आपने पे बैक पीरियड देखा तो पे बैक पीरियड में हम दो चीज़ें इग्नोर कर रहे थे, पहली चीज़ कि जो पैसा मिलने हैं तो फ्यूचर में मिल कि अगर फ्यूचर में मिलने हैं तो इनकी हमें प्रेजेंट वैल्यूज़ को काउंट करना चाहिए, तो हमने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकाला। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के बाद हमने कहा कि जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड या पे बैक पीरियड है इसमें फ्लॉ ये आया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर का तो आपने अकाउंट फॉर कर लिया लेकिन दूसरा फैक्टर था कि पे बैक हो जाने के बाद जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कौन से कैश कितने बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हैं हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, अगर उनको भी अकाउंट फॉर करना है तो उनको अकाउंट फॉर करने के लिए वी हैव द मेथड जिसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहते हैं। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बाद
हमने ये जो मेथड डेवलप किया वो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड था जी। अब सवाल ये है कि इन सब मेथड में से सो फॉर जितने हमने कि इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है और अगर हमें चूज करना हो तो हम किसको चूज करेंगे। तो एक तो है वो सवाल वाला सिनेरियो कि सवाल में देखेंगे कौन सा बेस्ट है। तो सवाल में जो भी बेस्ट है वो तो अपनी जगह पे है कि सवाल में जो हमें कहा गया हम उसको यूज कर लेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स प्रेफर करते हैं जनाब वो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है जिसको मोस्ट सूटेबल मेथड कंसिडर किया जाता है। अब ये मोस्ट सूटेबल जो मेथड है ये क्यों है मोस्ट सूटेबल, इस हवाले से इनफैक्ट हमें समझने की ज़रूरत है कि ये मोस्ट सूटेबल क्यों है और किसी और को क्यों नहीं मोस्ट सूटेबल कहा जा रहा। इंटरनल रेट ऑफ इन दोनों में तो हमने फ्लॉ पहले ही निकाल दिया ना कि अकाउंटिंग जो रेट ऑफ रिटर्न है उसमें कैश फ्लोज को नई बेस बना रहे, पे बैक के अंदर हमने उस वाले मेथड के एक फ्लॉ को दूर किया कि हम वट एवर इनफैक्ट हम जो जनरेट कर रहे हैं वो हम सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं जिस टाइम में पे बैक हो जाता है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट से क्या मिलता है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हमने उसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड डेवलप कर लिया और उसी डिस्काउंटेड मेथड्स के अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। बट इन दोनों मेथड्स में अगर कहीं टाई हो जाए हमारी कि अगर हमें रैंक करना पड़े प्रोजेक्ट्स को कि दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे ए प्रोजेक्ट है और बी प्रोजेक्ट है, अगर ए और बी प्रोजेक्ट को रैंक करेंगे हम और तो हम डिसाइड कर रहे हैं बेस्ड अपॉन अगर एनपीवी, तो जो प्रोजेक्ट ए है इसकी एनपीवी जो है 200 है, मैं सिंपलिसिटी के लिए लिख रहा हूँ जी, और जो प्रोजेक्ट बी है हमारा उसकी जो एनपीवी है इन्वेस्टमेंट सेम है लाइफ भी सेम हम ये अज्यूम कर रहे हैं उसकी एनपीवी जो है वो 300 है। सो अगर रैंक करेंगे तो एनपीवी की बुनियाद पे हमारे लिए प्रोजेक्ट बी जो है वो मोस्ट सूटेबल प्रोजेक्ट है। और अगर हम आईआरआर कैलकुलेट करें, हमने कहा था आईआरआर को हमने अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करना है, तो प्रोजेक्ट ए का जो आईआरआर है वो 10% है और जो प्रोजेक्ट बी है उसका आईआरआर जो है वो 12% है। सो अगर हम पहले एनबीबी की बुनियाद पर डिसाइड कर रहे हैं तो हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं बी वाले प्रोजेक्ट को बिकॉज उसकी एनपीवी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम आईआरआर की बुनियाद पर देखें तो आप देखते हैं कि हम किसको प्रेफर करेंगे। हमने कहा था जी आईआरआर वो रेट है जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। सो प्रोजेक्ट ए ये पे जो एनपीवी ज़ीरो हो जाती है वो 10% पे, इसका मतलब अगर आपका आपका जो प्रोजेक्ट है वो जो सस्टेन कर सकता है कॉस्ट वो 10% है, जबकि जो बी प्रोजेक्ट है वो आपकी 12% कॉस्ट सस्टेन कर सकता है। इसका मतलब अगर 11% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% है, तो जो ए वाला प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेंस जोन में फॉल ही नहीं करता बिकॉज 10% पे अगर एनपीवी ज़ीरो है तो 11% पे एनपीवी नेगेटिव में चली जाएगी, तो ये प्रोजेक्ट रिजेक्शन जोन में चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आईआरआर ज़्यादा है वो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रेफरेबल है। तो आईआरआर 12% है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रेफरेबल हो गया। यहाँ तक तो बात ये हुई कि एनपीवी और आईआरआर के एतबार से जो रैंकिंग की है प्रोजेक्ट ने प्रोजेक्ट्स की हमने वो सेम है। लेकिन ये अगर सिनेरियो चेंज हो जाए, इस तरह से सूरत हाल बन जाए, तो इसको हम टेक्निकली कहते हैं कि रैंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट आ गया बेस्ड अपॉन बोथ मेथड्स। आईआरआर की बुनियाद पर जो प्रोजेक्ट प्रेफरेबल नज़र आ रहा है वो ए प्रोजेक्ट है, जबकि एनपीवी की बुनियाद पर जो प्रोजेक्ट प्रेफरेबल नज़र आ रहा है वो बी प्रोजेक्ट है। सो नाउ विच वन टू ऑप्ट। तो पहली बात तो ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो फाइनेंस प्रैक्टिशनर्स हैं, दे प्रेफर इन दोनों मेथड में जब भी कंपैरिजन किया जाए तो एनपीवी को सुपीरियर रैंक किया जाए। अब वो जो सुपीरियर रैंक किया जाए उसके पीछे एक एजम्पशन कार फरमा है जिसे हम री इन्वेस्टमेंट रेट एजम्पशन कहते हैं। वो री इन्वेस्टमेंट रेट एजम्पशन से क्या मुराद है, हमने ये पढ़ा कि जो हम ये सारी बात कर रहे हैं ये ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट खड़ी है,
जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाली बात कर रहे हैं या फ्यूचर वैल्यू निकालने वाली बात कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग की बात है, तो ये सारी कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रिंसिपल पे खड़ी है कि जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं दैट इज़ बीइंग रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस, और वो रीइन्वेस्ट हो जाता है और उस रीइन्वेस्टमेंट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो प्राइमरली इस प्रिंसिपल के तहत आपका वो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं या जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स हैं वो उस बुनियाद पे खड़े हैं और उस बुनियाद पे चल रहे हैं, ठीक है जी। सो अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू वाली मेथड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जिसका मतलब एजम्पशन ये होती है कि आप उसी रेट पे उसको रीइन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अगर आप उसी रेट पे रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं या फ्यूचर वैल्यूज, व्हाटएवर द कैश फ्लोज आर, दे आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस अगेन बेस्ड अपॉन दैट रेट, इसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह रहे हैं। तो ये लॉजिकल एजम्पशन है कि हम उतने रेट पे ही रीइन्वेस्ट करते हैं जो जिस पे जितना मिनिमम रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, जबकि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसके अंदर जो एज्यूम किया जा रहा है कि जो आईआरआर है उसी पे आप रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मुकाबले में कम है तो इसका मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम बिजनेस के अंदर जो कुछ अर्न कर रहे हैं वो जो हमारा अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे भी कम पे री इन्वेस्ट करी जा रहे हैं। तो जो री इन्वेस्टमेंट रेट की अजम्पशन है ये ज़्यादा क्लोजर टू रियलिटी या ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इन द मेथड ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एज कम्पेयर टू आई आर आर। इसीलिए ये जो तरीकाकार है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड वाला, इसको प्रेफर किया जाता है। इसके पीछे ये लॉजिक कार फरमा है, बट अगर आपके सामने तो जहरी बात है वो लॉजिक उस तरह से नहीं आपने एक्सप्लेन करनी। सो इफ़ यू आर गिवन द चॉइस बेस्ड अपॉन एनपीवी आईआरआर, अगर कॉन्फ्लिक्ट रैंक आ जाता है प्रायोरिटाइज करने के अंदर, तो यू वुड प्रेफर एनपीवी मेथड इंस्टेड ऑफ आईआरआर मेथड। आई होप मेरी बात कुछ कन्वे हुई आपको। यस सर। चले जी, दैट्स ग्रेट। सो इनफैक्ट जी, ये सारा कुछ जितना भी हमने डिस्कस किया इन डिटेल, दैट वॉज अबाउट योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे हमने कैपिटल बजटिंग भी कहा। ये सारी बातें मुख्तलिफ थियोरेटिकल परस्पेक्टिव भी और जो वेरिएशंस वाली चीज़ें हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस की। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इशू, जो कि हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है। तो आई नीड इनफैक्ट योर इनपुट प्राइमरली, थोड़ा सा मुझे आपने इसमें इन्वॉल्व होना है। अगर आप बताएंगे तो चीज़ समझना बड़ा आसान होगा आपके लिए। वर्किंग कैपिटल नंबर वन किसे कहते हैं, एनीवन अगर आप बता सकें। सर मैं सर जी प्लीज प्लीज सर वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। आपने बोला जी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ऐसे ही है जी? यस सर। अच्छा जी, अगर आप इसको अब इवेल्यूएट करें तो जो आपको लिखा नहीं मिलेगा अकाउंटिंग या फाइनेंस की बुक में, इसे हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, दिस इज नेट वर्किंग कैपिटल। समझ आ रही है जी बात? राइट सर। ओके, सो वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या है? अगर ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के परस्पेक्टिव में बात हो रही है, तो इफ़ यू रिमेंबर आपने ज़िंदगी में कहीं वो बैलेंस शीट वगैरह बनाई है, मैं लेट सपोज आपके लिए थोड़ी सी आसानी के लिए एक टी शेप के अंदर बैलेंस शीट अगर ड्राफ्ट करने की कोशिश करूं, तो आपके बकौल पर ज़रूरी नहीं है वो टी शेप में हो, वर्टिकल फॉर्मेट में ही होती है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आपके जो एसेट्स होते हैं वो दो तरह के हैं आपके बकौल, एक करंट होते हैं, ऐसे ही है। यस सर। फिर आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिन्हें शायद आप नाम दे रहे हैं फिक्स एसेट्स का भी, ठीक है जी, ऐसा ही होता है जी सर।
और अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे आपकी मेंशन करूँ जी लायबिलिटीज एंड इक्विटी, पहले आप नॉर्मली मेंशन करते हैं जी करंट लायबिलिटीज को, मतलब ज़रूरी नहीं है, ये जो टेम्पलेट्स जो भी आप चूज़ करते हैं, मैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्सपेक्टिव आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, तो आई एम नॉट गोइंग टू कोट इन दैट वे। तो आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहेंगे इसके अलावा, और इसके अलावा आपके पास इक्विटी है, जैसे आप शेयर होल्डर्स इक्विटी अगर कंपनी है और या ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, और उसके बाद आप माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के अकाउंटेंट्स हैं और आपने कहीं से सुन पढ़ लिया वह है कि हमेशा जो एसेट्स हैं वो और लायबिलिटीज़ और एक्विटी का सम जो है वो बराबर होता है, और यूजुअली जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या एग्ज़ाम में होते हैं तो आप ये कहते हैं अगर बराबर नहीं भी है तो हम ख़ुद बराबर कर देंगे, तो आप वो ख़ुद भी जो बराबर कर देते हैं चलें वो तो आपके टैलेंट है, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे जी। चल मेरा असल में जो ये सारी चीज़ लिखने का ऑब्जेक्टिव या पर्सपेक्टिव है वो समझने वाली बात है कि अगर आप इफ़ यू रिमेंबर तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप एक रेशो कैलकुलेट करते हैं जिसे हम करंट रेशो कहते हैं। एनीवन बता सकेंगे? तो टेक्निकली ये आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का रिलेशनशिप है। सो अगर मैं आपके समझाने के लिए यहाँ पे ये लिखूँ कि ये जो बैलेंस शीट है मुझे इसमें जो करंट एसेट्स की वैल्यू नज़र आ रही है वो 200,000 है, और जो करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू वो 100,000 है, लेट्स सपोज, तो क्या हम ये रेशो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको किस तरह से डिनोमिनेट करेंगे हम? एनीवन जी क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, क्या बताएंगे? 2:1 सर जी, ऐसा ही है ना जी? राइट सर, 1:1 नहीं है जी, 2:1 है, 1:1 तो नहीं होगी ना? जी समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? जी सर। अच्छा जी, उसको टाइम रिज्यूम कर रहा है जी, मैं ज़रा इसको अरे मैं यहीं पे जी इक्वल डाल के लिख देता हूँ। इनफैक्ट ये 2:1 होगी, तो सवाल असल में ये आता है कि ये जो 2:1 आपका आंसर निकल रहा है, एक ये बिजनेस है हमारे पास और एक और बिजनेस है जी, उस बिजनेस के अंदर आपके जो करंट एसेट्स हैं वो 100,000 के हैं, वेयर एज आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो 200,000 की हैं। तो अगर इस दूसरे बिजनेस के लिए हम ये कैलकुलेट करें तो चलें ये बिजनेस ए है जी जिसके लिए अभी हमने कैलकुलेट किया, और एक बिजनेस बी है जिसके लिए अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 100,000 डिवाइडेड बाय 200,000 जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा जनाब? 0.5:1 Yes sir। चले अब ये चूंकि आपने ऑलरेडी कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसी भी स्टेज पे आइदर इन ICMA और वेरेवर आपने ये सुना पड़ा होगा, माय क्वेश्चन इज इन फैक्ट दिस कि इन में से अगर आपसे पूछा जाए विच बिजनेस इज बेटर, कौन सा बिजनेस बेटर है, किस बिजनेस की करंट रेशो अच्छी है,
आप क्या नाम देंगे जनाब? सलमान साहब ने ए जवाब दिया, एनीवन एल्स? ए जवाब देंगे जी। सबूर साहब हमारे साथ हैं जी इस टाइम? जी सर। सब आप किसके हक में वोट देंगे जी? बिजनेस ए के हक में सर। बिजनेस ए के हक में देंगे। सो बिजनेस ए के हक में अगर आपसे पूछा जाए आप वोट दे रहे हैं तो आप क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? सर इसकी रीजन ये है कि हमारे करंट एसेट ट्वाइस हैं अगर हम लाइबिलिटीज अपनी करंट लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं। ठीक है, हमारे करंट एसेट्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज, तो क्यों होने चाहिए हमारे करंट एसेट्स ज्यादा करंट लाइबिलिटीज से? व्हाई, रीजन क्या है? सर इसलिए क्योंकि आप लाइबिलिटीज तो मीट करनी है, करंट लाइबिलिटीज जो है। ओके, शाबाश। सो इसका मतलब ये है। जी एक तो आपने बताया, दूसरा भी बता दीजिए। सर वो लाइबिलिटीज पे करनी है और यानी कि विद इन शॉर्ट पीरियड में हमने पे करनी है वो लाइबिलिटीज। जी ठीक है। सो करंट लाइबिलिटीज का मतलब ये है कि ये वो लाइबिलिटीज हैं व्हिच आर ड्यू टू बी पेड इन वन ईयर। ठीक है जी। और करंट एसेट्स वो हैं जो कि इन फैक्ट आपके दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश कंपैरेटिवली क्विकली एज कंपेयर टू द नॉन करंट एसेट्स। सो इसका मतलब ये है कि आप सेफ्टी देख रहे हैं अपने, आप रिस्क से बचना चाह रहे हैं। रिस्क क्या है आपका कि जिन लोगों के आपने पैसे देने हैं अगर वो आपके पास पहुंचे कि आपने हमारे पैसे देने तो पैसे दें, ये वाला जो सिनेरियो हमारे सामने, अगर आप उनको उनके सारे पैसे अदा कर भी दें तो यू विल बी हैविंग सफिशिएंट करंट एसेट्स विद योरसेल्फ, आप लायबिलिटीज को अदा टाइमली कर सकेंगे। ऐसे ही है जनाब? जी सर ऐसे ही है। ठीक है, अब दूसरा पर्सपेक्टिव, ये वाला सिनेरियो अगर देखें तो आपके बिजनेस के अंदर अगर 200,000 की करंट लाइबिलिटीज हैं, दे कम टू यू और वो आपको कहें जनाब आपने हमारे पैसे देने तो दें, तो आपके पास तो सिर्फ 100,000 उनको देने के लिए अवेलेबल है, यू आर नॉट हैविंग दैट मच मनी जो आप उनको पे कर सकें। ऐसे ही है जनाब? जी सर बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर ऐसी सूरत हाल में आप उनको देना तो पड़ेगा आपको, अगर देना पड़ेगा तो आपको पैसे कहाँ से निकालने पड़ेंगे जी बता दें? पे तो करने हैं आपने, नहीं लोन तो बाद की बात ना जनाब, लोन तो तब मिलेगा जब आप पहले लोन को अदा कर रहे होंगे, लोन ही है ना वो करंट लायबिलिटीज भी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो अगर आपने वो लोन वो पे करना है और आपके पास करंट एसेट्स नहीं है, देन यू हैव टू सेल ऑफ योर नॉन करंट एसेट्स। ऐसे ही है जनाब? ऐसे ही सर, ऐसे ही सर। आप उनको पे करने के लिए नॉन करंट एसेट्स को यूटिलाइज करेंगे, लॉन्ग टर्म या फिक्स एसेट्स को। दूसरे लफ्जों में अगर आप अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के, आप बिजनेस की मशीनरी बेच के उनको पे कर रहे होंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि बिजनेस लॉन्ग रन में चल सकेगा? तो जवाब है नहीं, नहीं चल सकेगा। दिवालिया हो जाएगा सर। सॉरी, ठीक है जी। तो ये एक एक आस्पेक्ट हो गया जो आपके सामने नजर आया, ये जो आस्पेक्ट है जिसकी बुनियाद पर आप ये जो लेवल ऑफ एसेट्स हैं करंट एसेट्स उसको प्रेफर कर रहे हैं, करंट रेशो इसको प्रेफर कर रहे हैं। अब इसका दूसरी साइड या दूसरा पर्सपेक्टिव है जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो क्या चीज़ है जनाब? वो ये है कि आप बिजनेस के अंदर पैसे, अब छोड़ दें वो जो आपके अभी हमने जो बात की करंट रेशो वाली, उसको छोड़ देना आपने। आप बताएं कि बिजनेस के अंदर हम पैसा करंट एसेट्स में लगाएं तो ज़्यादा रिटर्न जनरेट होगा या नॉन करंट एसेट्स में लगाएं तो ज़्यादा रिटर्न जनरेट होगा? नॉन करंट पे लगाएंगे तो ज्यादा। शाबाश। तो अब आप ये समझें कि ये जो करंट एसेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज, यूजुअली दे आर कॉल्ड एज लो रिटर्न एसेट्स। समझ पा रहे हैं बात? जी सर। और जो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं दे आर कॉल्ड एज हाई रिटर्न एसेट्स। मेरी बात तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए? जी यस नो बता दीजिएगा। जी सर ठीक है। यस सर ठीक है। तो दूसरे लफ्जों में ये करंट लायबिलिटीज जो लिखते हैं, मैं इसको करंट लायबिलिटीज लिख दूँ या शॉर्ट टर्म फंड्स लिख दूँ, एक ही बात है। अगर आप पैसा लॉन्ग टर्म लोन से लेंगे उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या आपको जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं यानी अकाउंट्स पेएबल हैं उन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा?
लॉन्ग टर्म पे। तो टेक्निकली जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिन्हें हम कह रहे हैं, ये टेक्निकली हाई कॉस्ट फंड्स होते हैं। क्या होते हैं जनाब? हाई कॉस्ट फंड्स। ये जो करंट लायबिलिटीज हैं जिन्हें दूसरे लफ्जों में करंट या शॉर्ट टर्म फंड्स भी कहा जाता है, जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं ये टेक्निकली आपके लो कॉस्ट फंड्स होते हैं। चलिए ये बात को समझने के लिए जरा यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिखते हैं। करंट एसेट्स अगर आप कहें तो करंट एसेट्स में क्या कुछ शामिल होता है ज़रा बताइएगा। कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो सारा कैश में ही आएगा। IAS 7 अगर आपने सुना पड़ा है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड नंबर 7, तो उसमें यह बात बताई जाती है कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एवरीथिंग व्हिच इज कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश उसे हम कैश ही कहते हैं जी। इन्वेंटरी रिसीवेबल्स आ जाएंगे सर, अकाउंट रिसीवेबल्स जी, ठीक है जी, प्री पेमेंट्स आ जाएंगे सर, ठीक है। हम अगर एक रूटीन के बिजनेस की बात करें तो क्या हर बिजनेस में प्री पेमेंट्स का होना जरूरी है? ये बता दें, हर बिजनेस में कोई प्री पेमेंट्स जरूरी है? जरूरी नहीं है। तो टेक्निकली जिन करंट एसेट्स से हमें हर बिजनेस के अंदर वास्ता पड़ेगा वो ये तीन करंट एसेट होंगे जो आपके सामने लिखे नजर आ रहे हैं। कैश होगा, इन्वेंट्री होगी और अकाउंट्स रिसीवेबल। एम आई राइट जी? राइट सर, ठीक है। और जो करंट लायबिलिटीज होती हैं वो आमतौर पर कौन सी होंगी? अकाउंट पेएबल्स। ये सही है जी। और इसके अलावा सच एसेज कोई अकाउंट पेएबल जो शॉर्ट टर्म, जैसे वो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह का कहेंगे, एडवांसेस वगैरह का कहेंगे, अगर वो इस तरह की हो तो वो होते तो हैं, लेकिन क्या हर बिजनेस में होना वो ज़रूरी है? तो जवाब नो में है। हमारे बिजनेस के अंदर अकाउंट्स पेएबल हैं नॉन करंट, करंट लायबिलिटी के तौर पे, और ये करंट एसेट्स हैं। तो प्राइमरली हम इन चीज़ों के हवाले से बात करें, हम इन्हीं को वर्किंग कैपिटल के नाम से जान रहे हैं। चलिए, आपने सुना पड़ा हुआ है कि कोई बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, आपने वो कैश बजट बनाया था इफ़ यू रिमेंबर, तो हमें बाज़ुकात वो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो लेनी पड़ी है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट टाइप जो चीज़ है उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर उसको कंपेयर करेंगे तो लॉन्ग टर्म लोन के मुकाबले में उसका जो इंटरेस्ट है वो कम होता है, नंबर वन। नंबर टू, जो अकाउंट्स पेएबल हैं इन पर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपने इन पर कोई इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रहा, ये तो ट्रेड क्रेडिट है, आपने टाइम लिया उनसे कि महीना, दो महीने, चार महीने में आप उनको पे कर देंगे और इतना टाइम बिजनेसेस में चलता है। हम बात कर रहे हैं ये जो फंड्स हमारे पास बिजनेस में आए हैं लो कॉस्ट फंड्स हैं, या तो इन पर टेक्निकली अकाउंट्स पेएबल है तो शायद कोई कॉस्ट ही नहीं है। अगर कोई पेएबल्स के अलावा हमारे वो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वगैरह है तो उस पर थोड़ी बहुत कॉस्ट है, तो ये कंपैरेटिवली लो कॉस्ट फंड्स हैं। जबकि जो लॉन्ग टर्म फंड्स होंगे, शेयर होल्डर से अगर आपने पैसे लिए हैं, जैसे इक्विटी कहा जा रहा है, या आपने लॉन्ग टर्म डेट से पैसे लिए हुए हैं, तो उस पर जो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा दैट विल बी ह्यूज अमाउंट, हैवी कॉस्ट होगी उन फंड्स पे। यहाँ तक बात समझ आती है जनाब? जी सर। ओके, सो ये जो इन्वेंट्री या रिसीवेबल है, अगर आप इन्वेंट्री में आप ख़रीद के रख लेते हैं तो आप पैसा इन्वेंट्री में, आपने बजटिंग पड़ी थी, आप इन्वेंट्री लेवल अगर मेंटेन करते हैं तो क्यों मेंटेन करते हैं इन्वेंट्री लेवल? आप फॉर द सेक ऑफ कुशन, फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री लेवल मेंटेन कर रहे हैं। सो आप जो इन्वेंट्री लेवल मेंटेन कर रहे हैं उसके बदले में एज सच तो कोई बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई सेल हो सकती थी लेकिन इन्वेंट्री ना होने की बुनियाद पे आप उस सेल को लूट कर बैठेंगे, आप उसको अकाउंट फॉर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उससे जो पैसा जनरेट या प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो पैसा आप नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं पे लगा दें या अपने बिजनेस में कोई नॉन करंट एसेट बाय कर लें, तो उससे शायद रिटर्न ज़्यादा मिले। आप लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, उनसे क्रेडिट देने के नतीजे में सेल्स वॉल्यूम थोड़ा बहुत बढ़ गया,
लेकिन जो उससे बेनिफिट हो रहा है शायद उस पर लगने वाली उसके बजाय अगर वो पैसे हम नॉन करंट एसेट में लगा दें शायद वो हमारे लिए वायबल हो। कैश को तो आप अपने पास फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी लेके बैठे हुए हैं कि कोई अर्जेंट नीड आती है आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो टेक्निकली ये तीनों जो एसेट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनसे एज सच जो रिटर्न मिलेगा वो दैट इज़ फार लो एज कम्पेयर टू द नॉन करंट एसेट्स। बात समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए? तो मैंने जो प्रस्पेक्टिव आपके सामने लिखा है वो ये है कि करंट एसेट्स जो हैं ये लो रिटर्न एसेट्स हैं, जबकि जो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं वो हाई रिटर्न एसेट्स हैं। ये जो सूरत हाल है ये करंट लाइबिलिटीज लो कॉस्ट फंड्स हैं, जबकि आपके लॉन्ग टर्म फंड जो हैं वो हाई कॉस्ट फंड्स हैं। यहाँ तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे आप मेरे साथ? चले अब ज़रा बात समझिएगा। ये पहला वाला बिजनेस, आप ये कह रहे हैं कि आपके बिजनेस के अंदर जो करंट एसेट्स हैं वो 200,000 हैं, इसका मतलब ये है ये 200,000 जो आपके बिजनेस में आया है ये 200,000 दो जगहों से आया आपके पास बिजनेस में, दो कौन सी जगह? यानी इन 2,00,000 को फाइनेंस कुछ तो हमने इस पैसे से किया है, जी समझ पा रहे हैं बात या नहीं? जी सर। और कुछ पैसा अगर हमने लॉन्ग टर्म फंड से लिया होगा, हाँ ना बोलते जाइएगा। यस सर। इसका मतलब ये हो रहा है जेंटलमैन, ये 2,00,000 रुपया जो आपने करंट एसेट्स में लगाया है ये है लो रिटर्न एसेट्स। आपने लो रिटर्न एसेट्स में पैसा लगाया है आधा लो कॉस्ट फंड से और आधा लगाया है हाई कॉस्ट फंड से, हाँ ना बोल दें। हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये है आपने सेफ्टी तो हासिल कर ली, रिस्क से तो बच गए, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये बात दुरुस्त बात नहीं है। आप हाई कॉस्ट फंड से जो काम करें उसूली तौर पे उससे तो आपको हायर रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो लो कॉस्ट फंड्स हैं उनसे लो रिटर्न एसेट्स में पैसा लगाएं तो बात समझ आती है। इसका मतलब अगर आप ये कर रहे हैं तो टेक्निकली ये अप्रोच कहलाती है कंजर्वेटिव अप्रोच। इसे कंजर्वेटिव अप्रोच या कंजर्वेटिव पॉलिसी वर्किंग कैपिटल पॉलिसी कहते हैं। क्या आप कंजर्वेटिव होकर सोच रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि आपका रिस्क ज्यादा ना हो, लेकिन वो रिस्क ज्यादा ना करने के चक्कर में आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यू आर टेकिंग फंड्स फ्रॉम हाई कॉस्ट फंड्स को आप लो रिटर्न एसेट्स में लगा रहे हैं, ये बात दुरुस्त बात नहीं है। एक एंगल से दुरुस्त है कि आप रिस्क से बच रहे हैं, लेकिन दूसरा एंगल ये कह रहे हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। बात क्या है कि आप हाई कॉस्ट फंड्स को लो रिटर्न एसेट्स में लगा रहे हैं, तो जहाँ से आपने पैसे लिए हुए हैं उन्होंने कल जब आपसे अपना इंटरेस्ट अपना डिविडेंड मांगना है तो आपके बिजनेस के अंदर उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं होगी जो उनको पे बैक कर सकें, उनको उनका इंटरेस्ट या डिविडेंड दे सकें, तो यू विल बी इन ट्रबल। इस ट्रबल से बचना चाहते हैं तो फिर दूसरी अप्रोच आएगी कि आप ये काम ना करें। आपको क्या करना है, ये वाली जो ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रही है अगर इस ऑप्शन में देखें व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे बिजनेस से रिटर्न निकल रहे हैं जी, सॉरी जो बिजनेस में करंट एसेट्स आए हैं ये कम है एज कम्पेयर टू द करंट लाइबिलिटीज। तो जो करंट लाइबिलिटीज हैं ये आपका लो कॉस्ट फंड है, ऐसा ही है ना जनाब? ऐसे ही है सर। अगर ये लो कॉस्ट फंड है तो आप क्या कर रहे हैं जनाब, आप पैसा यहां से ले रहे हैं जी, आप पैसा जो ले रहे हैं वो इस 2,00,000 में से कुछ पैसा आप उठा के लगा रहे हैं अपने करंट एसेट्स के अंदर, 1,00,000 इधर लग गया, और कुछ पैसा आप यहां से लेके आप अपने नॉन करंट एसेट्स के अंदर लगा रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं तो नॉन करंट एसेट्स क्या हैं, हाई रिटर्न एसेट्स हैं, लो रिटर्न एसेट्स हैं, हाई रिटर्न। तो आप पैसा कहाँ से ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं लो कॉस्ट फंड से,
लो कॉस्ट फंड से पैसा लेके आप कुछ लो रिटर्न एसेट्स में और कुछ हाई रिटर्न एसेट्स में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ऐसा करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी कि सस्ते पैसे लेके आपने हाई रिटर्न जगह पे लगा दिए। सस्ते पैसे जब हाई रिटर्न जगह पे लगाएंगे तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली जो अप्रोच है इसे हम अग्रेसिव अप्रोच कहते हैं कि हम यहाँ पे रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई बात नहीं देखी जाएगी। अग्रेसिव अप्रोच है, आप उतना नहीं मेंटेन कर रहे जितना देना पड़ेगा। नुकसान क्या है इसके अंदर कि अगर वो लोग पैसे लेने के लिए आ गए तो यू मे नॉट बी हैविंग दैट मच मनी। 2 लाख आपने लोगों को देना, आपके पास सारे करंट एसेट 1 लाख रुपए हैं, तो इसका मतलब आपने जहां पे पैसा लगाया वो वहां से निकालना पड़ेगा, नॉन करंट एसेट से वहां से निकाल के इसको पे बैक कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये एग्रेसिव पॉलिसी है। तो अभी तक जो आपने कन्वेंशनल बात पढ़ी हुई है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में वो तो यही है कि 2:1 इज द आइडियल रेशो, लेकिन इसके दो आस्पेक्ट जो फाइनेंस के अंदर डिस्कस हो रहे हैं वो ये है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये पैसे शॉर्ट टर्म फंड से आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म फंड से आ रहे हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म फंड से आ रहे हैं तो ये लो कॉस्ट फंड्स हैं, तो लो कॉस्ट फंड्स को ये तीसरी जो अप्रोच होती है उसे हम हेजिंग अप्रोच कहते हैं या मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच कहलाती है जी। हेजिंग या मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच जो है जी, हेजिंग या मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच जो है, अब इन दोनों में जो आप एक में एक तरफ एक्सट्रीम पे जा रहे हैं और दूसरी में दूसरी तरफ एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, इससे बचने का तरीका कार आपके सामने रखा जा रहा है कि आप दोनों की बजाय कोई मिड वे आप ऑप्ट कर लें तो शायद वो आपके लिए बेहतर हो जाए। तो मिड वे ऑप्ट करने का मतलब ये है कि अकल का तकाजा ये है, सस्ते फंड्स लेके आप सस्ती जगह पे लगा दें और महंगे फंड लेके आप महंगी जगह पे लगा दें, शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, इंस्टेड ऑफ कि आप ये काम कर रहे हों। यानी आपका होना ये चाहिए जितने करंट एसेट्स हैं उतनी करंट लायबिलिटीज़ हो जाए। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपने सस्ते फंड्स लिए और सस्ते फंड लेके आपने सस्ते एसेट्स में लगा दिए या लो रिटर्न एसेट्स में लगा दिए, तो जो लॉन्ग टर्म आपके फंड्स होंगे जो कि यहाँ से जनरेट होंगे, इन लॉन्ग टर्म फंड से जो पैसा लेंगे वो आप नॉन करंट एसेट्स में ही लगाएंगे। तो टेक्निकली आप हाई कॉस्ट फंड्स को हाई रिटर्न एसेट्स में लगाएं और लो कॉस्ट फंड्स को लो रिटर्न एसेट्स में लगाएं। सो आइदर एग्रेसिव आइदर कंजर्वेटिव की बजाय शायद इस पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए, जो मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच है तो शायद 1:1 मे बी द बेस्ट रेशो। यहाँ तक बात समझ आती है जनाब? यस सर। अच्छा जी, तो जो प्रस्पेक्टिव हमारे सामने आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर जी बहुत सारे यस, अच्छा जनाब सलमान साहब आपने नो सर कहा, जरा बता दें नो सर किस पे कहा है ये बताएं, किसी चीज के जवाब में कहा है समझ नहीं आई या क्या कहना चाहते? अच्छा जी, फिर बस सलमान साहब आपका मैसेज वैसेज जो दे के हम परेशान हो जाते हैं इसलिए पूछ लेते हैं, अगर समझ नहीं आ रही तो मेरा समझाने की कोशिश कर लें। एनीवेज चलें, सो इसका मतलब ये है कि जब इस तरह की बातें आना शुरू हो गई कि ये करंट रेशो बेहतर कौन सी होगी, और आपने शायद एक इफ़ यू रिमेंबर तो आपने एक क्विक रेशो भी पढ़ी हुई है जिससे शायद आप एसेट टेस्ट रेशो या शायद आप लिक्विड रेशो के नाम से भी जानते हैं, और वो भी आपने पढ़ी हुई है। वो लिक्विड रेशो से मुराद जो ज़्यादा लिक्विड करंट एसेट्स, आई मीन विच कैन बी कन्वीनियंटली कन्वर्टेड इनटू कैश, एक तो कैश तो है ही है, दूसरा रिसीवेबल्स हैं। इन्वेंट्री विल टेक टाइम बिकॉज इन्वेंट्री को जब सेल करेंगे तो पहले वो पैसे आपके रिसीवेबल्स में जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली क्रेडिट सेल होती है तो वो पैसे इन्वेंट्री से निकल के रिसीवेबल में ब्लॉक होंगे, रिसीवेबल से निकलेंगे तो फिर वो पैसे आपके पास दे विल कम इनटू यू नो योर कैश। तो जो क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश है उन्हें क्विक एसेट्स कहते हैं। क्विक एसेट्स
को डिवाइड कर दिया जाता है करंट लायबिलिटीज के साथ। तो ये ज़रा आपको वो बताती है कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर है एज़ कम्पेयर टू, तो क्विक एसेट्स, जैसे मैंने बताया कि इन्वेंट जो आपके करंट एसेट्स हैं उसमें से अगर आप इन्वेंट्री माइनस कर दें और अगर कोई प्री पेमेंट्स भी होती हैं तो उनको भी माइनस कर दिया, बिकॉज वो आपने अदा कर दी हैं वो मिलनी नहीं है, तो ये रेशो भी कैलकुलेट की जाती है। अब इसी पर्सपेक्टिव के अंदर आपने कुछ और अकाउंटिंग रेशोज इफ़ यू रिमेंबर आपने पढ़ी हुई हैं वो अगर आप मुझे बता सकें, क्योंकि तो सारी चीज़ों का ताल्लुक इन्हीं चीज़ों के साथ है। एक आपने रेशो पढ़ी होगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एक आपने अकाउंट्स रिसीवेबल जी, और इसी तरह आपने एक रेशो पढ़ी हुई अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशो। तो ये बिजनेस की एक्टिविटी जो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में हो रही है, ये उसकी एफिशिएंसी को डिनोट करती हैं ये रेशोज, और इन्हीं रेशोज की बुनियाद पे हम अल्टीमेटली जो चीज़ इनफैक्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसे हम कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं, वो अभी हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर आप अच्छा जी अगर आप मुझे बता सकें ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, मैं पहले नंबर ऑफ टाइम्स में कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो आपको तरीकाकार अगर पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एंड आई होप यू रिमेंबर कि जो एवरेज इन्वेंट्री है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट की जाती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टू। चले मैं यहाँ पे वो मेंशन भी कर देता हूँ, अगर हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करें वो होगा जी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाय टू, ये एवरेज इन्वेंट्री होगा। चलिए मैं अज्यूम करता हूँ आपके साथ, ना मुझे आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जेंटलमैन सलमान साहब आप गलत बता रहे हैं, नेट सेल्स को नहीं डिवाइड किया जाता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड किया जाता। अच्छा जी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय टू, अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारे बिजनेस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100,000 है और एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 20,000 है, कैन यू लेट मी नो कि व्हाट विल बी द आंसर। तो हम कहेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर 5 times है। सो 5 times इन्वेंट्री टर्नओवर से क्या मुराद है, इन्वेंट्री में चेंज ओवर द पीरियड 5 times आता है। तो क्वेश्चन इज दिस कि इन्वेंट्री में चेंज ज़्यादा टाइम आए, ज़्यादा दफ़ा आए तो वो बेहतर है या कम दफ़ा आए तो वो बेहतर है जी, एनीवन अगर बता सकें। इन्वेंट्री में टर्नओवर, इन्वेंट्री का टर्नओवर ज़्यादा होना चाहिए, तो सलमान साहब बता रहे हैं कम। अच्छा इन्वेंट्री में क्यों चेंज आता है, द पीपल वर विद मी, अगर मेरे ख्याल में अगर खाना वाना खाने नहीं निकल गए तो बस जवाब देते रहिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो जाएगा जी। ज़्यादा आसिफ साहब ने कहा है ज़्यादा टाइम हो तो ठीक है जी। एनीवन एल्स कोई और भी अगर रिस्पॉन्ड करना चाहे। रखना नहीं पड़ेगा ज्यादा सर, उससे ये कि हमारा जो यानी कि उसके लिए कॉस्ट जो लग रही है जी जी वो जो है वो मतलब है कि स्टक नहीं होगी ना सर। शाबाश दैट्स ग्रेट जी। सो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, देखें हमें सोचने की ज़रूरत है इन्वेंट्री में चेंज आता किस वजह से है। दो चीज़ें हो सकती हैं, इन्वेंट्री लेवल हमारा चेंज होगा या तो हम गुड्स को सेल कर देंगे वट एवर इज़ इन आर इन्वेंट्री नंबर वन, और नंबर टू जो इन्वेंट्री में चेंज आएगा वो किस वजह से आएगा जनाब, अगर हम इन्वेंट्री और बाय कर लेंगे तो और बाय क्यों कर रहे होंगे या हमने कुछ सेल कर दी है। तो इन्वेंट्री में जो चेंज आ रहा है जितनी ज़्यादा दफ़ा चेंज आएगा उतना ही इदारे के लिए बेहतर है इंस्टेड कि कम दफ़ा चेंज आए। सो अगर इसको और समझना है तो हम इसको ये इन्वेंट्री टर्नओवर हमने ये नंबर ऑफ़ टाइम्स में निकाला है, दिस इज़ कॉल्ड एज इन्वेंट्री टर्नओवर इन नंबर ऑफ़ टाइम्स।
अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें नंबर ऑफ डेज, ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर इन नंबर ऑफ डेज है उसको कैलकुलेट करने का तरीका कार होता है जी, जो ईयर साल के दिन है डेज इन ईयर, उसको डिवाइड कर दिया जाए इन्वेंट्री टर्नओवर जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स। आशीष साहब आपने हैंड रेज किया, आप पूछ रहे हैं जो बात पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें मतलब ये तो बात समझ आती है कि इन्वेंट्री टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा मतलब वो फेवरेबल है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी हम देखते हैं बाज़ार कि अगर आपकी इन्वेंट्री क्रेडिट पे सेल हो रही है और आपकी क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसी ठीक नहीं है, उसकी वजह से आपके अकाउंट रिसीवेबल बढ़ते जाएंगे। अब वो जब बढ़ते जाएंगे तो वो आपका करंट रेशो बेहतर करार देगा, लेकिन करंट रेशो को हम जब फिगरली देखते हैं कि आपका करंट रेशो अच्छा है तो हम कहते हैं जी बिजनेस अच्छा है, लेकिन उसके बैक एंड पे आपकी जो क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसी जो वीक है उसकी वजह से आपके अकाउंट रिसीवेबल बढ़ते चले जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसमें फिर ये भी है कि आपके अकाउंट रिसीवेबल जैसे जैसे डिलेड होते जाएंगे आपके बैड डेट्स के चांसेस बढ़ते जाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली हम इसको किस तरह कंक्लूजन पे लेके आएंगे? जी देखिए असल में ये इसी जो आपने तो चूंकि बिल्कुल राइटली सारी चीज़ों को लिंक कर दिया है, हम इसी चीज़ को तो पढ़ना चाह रहे हैं कि अगर एक चीज़ को फोकस कर रहे होंगे तो दूसरी चीज़ पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे होते हैं, तो हमें इन वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स को मैनेज करने की ज़रूरत है। ये मैनेज करने के पर्सपेक्टिव ही सारे हमने इसमें डिस्कस करने हैं, टाइटल ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री नंबर वन, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसीवेबल्स, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ पेएबल्स। अगर इनको ऑप्टिमम लेवल्स पे रखेंगे, बिकॉज हर काम करने के फायदे या नुकसान हैं, तो जैसे आपने कहा कि हम इन्वेंट्री पाइल अप कर लेते हैं तो भी कोई ना कोई नुकसान है, और अगर आप इन्वेंट्री नहीं रख रहे धड़ाधड़ इन्वेंट्री बेचे जा रहे हैं और आप इन्वेंट्री बेचने के लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आप कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी शो हो जाए, लेकिन वो सारा सेल आप क्रेडिट पे कर रहे हैं तो पैसे सारे रिसीवेबल में ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ इन्वेंट्री को छोटा करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि हमारा रिसीवेबल को छोटा करना भी ऑब्जेक्टिव होगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने डिस्कस करने हैं, इसीलिए तो हमने टर्नओवर रेशो से बात स्टार्ट की, अभी इसको हम इंशाल्लाह आगे लिंक कर देंगे। राइट जी, एक सेकेंड जी। जी ठीक है जी, तो अगर हम इसको नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करें तो ये तरीकाकार मैंने आपके सामने लिखा कि जो डेज इन ईयर है उनसे इसको हम रिलेट कर सकते हैं। साल में दिन 365 है जी, अगर 5 टाइम से डिवाइड करें तो ये टेक्निकली आपके पास 73 डेज बन जाते हैं। क्या आप 73 दिन मतलब आप ऑन एवरेज आपकी इन्वेंट्री में पैसे फंसे रहते हैं, 73 दिन के बाद आपकी इन्वेंट्री में चेंज आता है। अगर मैं यहाँ पे एक और सिनेरियो लिखूँ, एक और कंपनी है जिसकी 100,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और 10,000 इन्वेंट्री है, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स में जो आंसर निकल रहा होगा ये 10 टाइम्स होगा। अभी बात हुई जितनी ज़्यादा दफ़ा चेंज आएगा उतना बेहतर है, तो बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हमारे कितने दिन पैसे फंसे रहेंगे। 365 डिवाइडेड बाई 10 अगर करें तो 36.5 ऑन एवरेज 37 दिन हमारे पैसे या 37 दिन बाद इन्वेंट्री में चेंज आएगा, या तो बिक जाएगी या और इन्वेंट्री आ जाएगी। तो जितना ये पीरियड कम होगा, जितने कम दिन इन्वेंट्री में हमारा पैसा पाइल अप रहेगा फंसा रहेगा, उतना हमारे लिए बेहतर है, या ज़्यादा दिन फंसा रहे वो हमारे लिए बेहतर है। कम दिन जी, एनी वन एल्स? ठीक है जी, आसिफ साहब आपको तो समझ आ गई, बाकी लोग भी अगर अगर हमारे साथ हैं तो हमें जवाब दे दें, दैट्स ग्रेट। तो इसका मतलब ये कम है, तो हम इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली नंबर ऑफ टाइम्स में कैलकुलेट करने का भी शॉर्टकट वर्जन हमारे पास मौजूद है, मैं वो भी लिख देता हूँ।
वो तरीका कार ये है कि अगर आप डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसका तरीका कार ये होगा कि जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है उसको आप मल्टीप्लाई करें डेज इन ईयर और उसको डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ, तो आप डायरेक्टली ये नंबर ऑफ डेज तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ कर लें, मैंने जो अभी एवरेज इन्वेंट्री पहले वाली एग्जांपल में ज्यूम की है वो 20,000 है, 20,000 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 100,000। अगर आप डिवाइड कर लें यहाँ पे भी, अगर आप रिजल्ट निकालेंगे तो ये 73 डेज भी निकलेगा। तो देर आर टू वेज, आप ये टर्न ओवर इन टाइम्स निकाल रहे हो डेज इन ईयर से डिवाइड कर दें, या दूसरा तरीका का डायरेक्टली एवरेज इन्वेंट्री जो डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज तक पहुंच सकते हैं। दूसरे वाले के लिए भी अगर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय 100,000 यू कैन गेट दैट 36 डेज, 36.5 डेज बनते हैं टेक्निकली, ये सेम रिजल्ट्स हैं। आई होप ये बात समझ आई है। तो इन्वेंट्री टर्न ओवर है, लाइक वाइज आपका ये रिसीवेबल टर्न ओवर, और रिसीवेबल टर्न ओवर जो है ये कैलकुलेट होता है आपकी क्रेडिट सेल्स। ये क्रेडिट सेल्स का ताल्लुक अकाउंट रिसीवेबल से है, सो एवरेज रिसीवेबल। जी अगर मैं अज्यूम करूं अगेन, जैसे यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे थे कि हमारे बिजनेस का लाइक 150,000 हमारी क्रेडिट सेल है, और लेट्स सपोज 40,000 की हमारी एवरेज रिसीवेबल्स हैं, तो जो हमारा नंबर ऑफ टाइम्स में आंसर निकल रहा है, चलिए उसको 40 की बजाय मैं आसानी के लिए 50 कर देता हूँ, तो जो हमारा नंबर ऑफ टाइम्स में निकल रहा है वो 3 times बनता है। तो 3 times चेंज आना बेहतर है या इससे ज़्यादा दफ़ा चेंज आना बेहतर है, इसको कैलकुलेट अगर करना चाहें तो आप नंबर ऑफ डेज में अगर कैलकुलेट करें तो तरीका क्या होगा, डेज इन ईयर को आप डिवाइड कर दें रिसीवेबल टर्नओवर जो आपने निकाला है इन टाइम्स। ये जो रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स आपके पास है 3 times 365 डिवाइडेड बाय अगर 3 करेंगे तो ये 122 दिन बनते हैं। तो 122 दिन आपका फंसा रहता है पैसा रिसीव। अगर एज कम्पेयर टू दिस अगर हम देखें कि एक और बिजनेस है जिसमें 150,000 की और तो हमारे फर्ज कर लेते हैं कि 30,000 की हमारे एवरेज रिसीवेबल हैं, तो जो चेंज आ रहा है वो 5 times चेंज आ रहा है। और अगर 5 times यहाँ पे देखेंगे 365 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो वो 73 दिन। तो क्या बेहतर है, 122 डेज में पैसे कलेक्ट हों या 173 डेज में पैसे कलेक्ट, विच इज़ बेटर फॉर अस? सर 73 डेज। तो इसको हम डायरेक्टली भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें रिसीवेबल नहीं डेज एंड ईयर से मल्टीप्लाई करें और क्रेडिट सेल से डिवाइड कर दी तो आप डायरेक्टली इस रेशियो तक पहुंच सकते हैं जो डेज फिल हो सकती है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीपल डेज हो सकते हैं। तो लाइकवाइज अगर अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे तो जो अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशियो है वो क्रेडिट परचेजेस से लिंक्ड है। जो परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स को लिएट होंगे, तो क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स कर लें या एवरेज पेएबल्स। तो एक बिजनेस है जी जिसके जो क्रेडिट परचेजेस हैं वो 90,000 है अज्यूम कर रहे हैं, और जो अकाउंट्स पेएबल हैं ऑन एवरेज वो लेट्स सपोज दे आर 26,000 ज्यूम कर रहे हैं। 90,000 डिवाइड करके 26,000 कर लें ये 3.46 times बनता है। अब पेएबल्स की बात करेंगे तो पेएबल टर्नओवर जितना प्रोलॉन्ग होगा, जितना आप लेट पे करेंगे उतना आपके लिए अच्छा, बिकॉज पैसे आपके पास रहेंगे, आप उसको कहीं पे यूज़ करके शायद उससे कुछ बेनिफिट कमा सकें। तो अगर आप इसको नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं नीड टू डू डेज एंड ईयर, इससे पेएबल टर्नओवर से आप डिवाइड कर सकते हैं।
पेबल टर्नओवर इन टाइम्स, सो हमारे पास 365 डेज हैं डिवाइडेड बाय 3.46 अगर करते हैं तो 105 दिन के बाद आप पेबल्स को पैसा देंगे। ये काम आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं, एवरेज पेबल्स डेज इन ईयर और डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस, तो अगर इस तरह से भी करेंगे तो नेट आंसर वही बनेगा। सो अगर हम पेबल्स की बात करें तो जितना हमारा पेबल्स पीरियड प्रोलॉन्ग होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, और इसी तरीके से जितना जल्दी पैसा कलेक्ट हो जाएगा रिसीवेबल पीरियड जितना छोटा होगा वो बेहतर है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जिसे हम कह रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड इन डेज, ये जितना कम होगा उतना बेहतर है। तो इन तमाम चीज़ों से एक कॉम्पोजिट मेजर बनाया गया जिसे हम कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं, कि हमारा पैसा हमसे निकल जाने के बाद हमारे पास वापस आ जाने तक कितना टाइम लगता है। उसका तरीका कार क्या है, जो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है जिसे आप इन्वेंट्री पीरियड इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज कह रहे हैं, इसमें ऐड करते हैं हम रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल से पैसा आने में कितना टाइम लगेगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे पेएबल्स पेमेंट पीरियड, हमें पेमेंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये कॉम्पोजिट मेजर है जिसे हम कैश कन्वर्जन साइकिल के नाम से जानते हैं। ये नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट हो रहे हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जैसे हमने अपने बिजनेस के लिए निकाला, ये फर्ज कर रहे हैं 73 डेज है। सो 73 डेज हमारा पैसा इन्वेंट्री में फंसा रहता है 73 डेज। देन हमने ये 122 डेज कैलकुलेट किया, 122 डेज रिसीवेबल से पैसा निकल इन्वेंट्री से पैसा निकलता है, चीज़ें बिक जाती हैं और हमारा पैसा फंस जाता है इन कलेक्शन। तो टेक्निकली अगर दोनों को सम करें तो 195 डेज मिनिमम लगते हैं आपको आपका पैसा वापस मिलने में, लेकिन इनफैक्ट जो पेएबल्स पेमेंट पीरियड है ये हमें बताता है कि जो हमने लोगों का पैसा होल्ड किया हुआ है वो अगर इसमें से जितना पीरियड हमने होल्ड किया हुआ इसमें से माइनस कर लें तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कैश कन्वर्जन साइकिल। ये ओवरऑल रिजल्ट जो है ये बता रहा है कि कितना टाइम लगता है टू गेट योर मनी बैक, कितना टाइम लगता है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना पैसा लगा के वापस लेने के अंदर। तो जितना ये कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा होगा उतना ही बिजनेस के लिए बेहतर है। अब ये छोटा कैसे हो सकता है, इसको छोटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये नंबर ऑफ डेज जो है इन्वेंट्री होल्डिंग के या तो इनको कम करना पड़ेगा। तो अगर ये नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री होल्डिंग के कम करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार अभी आपके सामने दिखा नजर आ रहा है कि अगर इन्वेंट्री 20,000 है तो आपका 73 दिन इन्वेंट्री में पैसा फंसा रहता है। अगर इन्वेंट्री कम हो गई, कम हो जाने से ये जो पीरियड है ये कम हो गया, तो इसका मतलब अगर हम इसको कम डेज पे लेके आना चाहते हैं तो हमें इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स में रिसीवेबल को कम करना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपने रिसीवेबल्स को भी कम करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तो ये 122 डेज से शायद 73 डेज पे आए। तो इसका मतलब अगर आप कम करना चाहते हैं तो तीनों वेरिएबल्स जो हैं इनको आप फोकस करना पड़ेगा, या तो आप इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कम करें या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड को कम करें, और लेट्स सपोज आप इन दोनों को कम नहीं कर सकते तो जो 105 दिन आपको पेएबल से मिलने अगर आप इसको मजीद बढ़ा दें तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा हो जाएगा। सो शॉर्टर द कैश कन्वर्जन साइकिल द पोजीशन ऑफ बिजनेस लिक्विडिटी पोजीशन रिस्क और लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो प्रस्पेक्टिव में वो बेहतर होगी। तो जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो है वो इसी चीज़ से इनिशिएट होता है। मैं इसका रेलिवेंट जो बुक है वो ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ। ये उसका फर्स्ट और इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उस किताब में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक पूरा सेक्शन है जिसमें 2-3 चैप्टर हैं, उसमें ये पहला चैप्टर है जिसमें ये सारी थियोरेटिकल बेस बिल्ड की गई है।
और इसके बाद वन बाय वन हम बात करेंगे कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जा सकता है, रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है और पेएबल्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो अभी तक की जो डिस्कशन है इसमें जो क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आज के दिन के लिए हम फिर वाइंड अप करेंगे। टुमारो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस, कल भी आपकी क्लास प्रोलॉन्ग भी है, फेब्रुअरी स्टार्ट होगी और चलेगी, हम उसमें इसका जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है और मैनेज करने के हवाले से जितनी बातें इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है, अगर इस हवाले से कोई सवाल है पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आसिफ जी, आसिफ साहब पूछिए। जी धरती के जो कैश कन्वर्जन साइकिल का जो हम पीरियड निकालते हैं नॉर्मली, हम जितना मर्जी छोटा कर लें, कैश के लिए कोई बेंचमार्क भी है कि ये मतलब यहाँ तक हो तो ठीक रहेगा? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है जी आपका, बिल्कुल। ऐसा सच अगर कहें बेंचमार्क कोई बना हुआ है तो बेंचमार्क बना नहीं होगा, नंबर वन, ठीक है जी। दूसरा ये होता है कि हर इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये जो कैश कन्वर्जन साइकिल है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल, वो ऑप्टिमल कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होगा वो बिजनेस टू बिजनेस या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो सीजनल इंडस्ट्री है, जैसे आप शुगर इंडस्ट्री को देखें तो क्या शुगर इंडस्ट्री के अंदर हम इन्वेंट्री को मिनिमाइज करके कैश कन्वर्जन साइकिल को मिनिमाइज कर सकेंगे? जवाब नो में है, बिकॉज सीजनल इन्वेंट्री यानी आपने उसको लेना और उसके बाद आपने अगला सारा काम शुरू करना है, सारा साल उस चीनी को चलाना है और बेचना है एंड सो ऑन, तो इसका मतलब शायद इस तरह से पॉसिबल ना हो। पर अगर इसी तरह से इस बिजनेस को किसी और बिजनेस से कंपेयर किया जाएगा तो जो ऑप्टिमल शुगर इंडस्ट्री का होगा वो शायद किसी और बिजनेस का नहीं होगा। तो हर बिजनेस के लिए ऑप्टिमल कैश कन्वर्जन साइकिल हो सकता है, और यूजुअली जो कंसिडर किया जाता है हर फर्म के लिए जो ऑप्टिमल कैश कन्वर्जन साइकिल, वो यूजुअली कंसिडर किया जाता है उस इंडस्ट्री के तमाम फर्म्स का जो एवरेज लेवल होता है उसे हम एवरेज कैश कन्वर्जन साइकिल लेवल होता है उसे हम आमतौर पर नॉर्म के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं, ये बेंचमार्क है, इसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को एफर्ट करनी चाहिए। जी अच्छा, ये बात समझ आई है जनाब? बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट। मैंने जी जो अभी आपके साथ बात डिस्कस की है इससे रिलेटेड और रेलेवेंट बुक और जो मैंने लिखा था एक्सेल फाइल में वो भी, वो मैंने सारी चीज़ें और कुछ स्लाइड्स हैं ये ग्रुप में शेयर कर दी हैं। आप इनको जी जो किताब में जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्टरी लेवल वाला उसको देखें इंशाल्लाह, देखेंगे तो चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएंगी। तो कल हम उनसे इनसे मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, जो आपने पढ़ा होगा उस पर जो बेसिक क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह उनको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इंशाल्लाह भी वाइंड अप करें तो ज़िंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर आपसे मज़ीद बात करेंगे। कबूर साहब आपको सवाल करना चाह रहे हैं तो पूछ लेंगे जल्दी से। ये नुमान अफजल साहब आपने बिल्कुल राइट भी लिखा है, आपने भी लिखा है, तो अगर हम रिड्यूस करते हैं साइकिल को फाइन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्रॉफिट, तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग हमने प्रॉफिट पे नहीं करनी और ऑब्वियसली रिस्क को भी मिटिगेट करना है इस हवाले से। जी प्लीज सबूर साहब आप अपनी बात करें। सर हमारी एक क्लास होती है 7:30 पर, जी जी कल उसके टाइम है, आप अगर लेंगे तो फिर हमें वो इसके मैंने जैसे गुजारिश की कि अगर आप जितना टाइम लाइव अटेंड कर सकेंगे उतना टाइम आप लाइव अटेंड कर लीजिएगा, रेस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर एटलीस्ट अवेलेबल होगा, अगर हम इस तरह करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं नरेट कर दूंगा, आप लेटर ऑन सुन के अपना जो इशू होगा वो ऑन द नेक्स्ट डे आप उसको डिस्कस कर सकते, ठीक है? चले थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब एटलीस्ट ये तो होगा ना आपके पास कोई चीज रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ प्रैक्टिस भी जो कि हम साथ साथ कर रहे होंगे तो उससे चीज क्लियर हो जाएगी, अगर वो पेंडिंग रहेगी और आपके लिए वो प्रॉब्लम का बाइस बनने के बाद, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। चलिए थैंक यू वेरी मच जी, दैट्स ऑल फॉर द डे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। जो कल की क्लास का लिंक है वो आपके ग्रास के ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर।